अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप देख रहे होंगे हमारा सेटअप और मेरे कपड़े, ये सब कोई एक आपको कहानी सुना रहे हैं। और उस कहानी की इब्तिदा मैं इस तरह करना चाहूँगी कि हर घर में बेटी अगर होती है तो बेटी के साथ एक पेटी भी होती है। पेटी यानी सूटकेस, संदूक, कुछ भी आप उसको नाम दे सकते हैं। और उस संदूक में बेटी के पैदा होने के बाद से ही माँ उसकी ज़रूरत की चीज़ें संभालना शुरू कर देती है। लिहाफ, गद्दे, तकिए, बर्तन, छोटी छोटी चीज़ें ज़रूरत की जो उसको समझ आती हैं वो भरना शुरू कर देती है। जैसे जैसे बेटी का साइज़ बढ़ता है, माँ बाप की फ़िक्र बढ़ती है। जैसे जैसे बेटी ग्रो कर रही होती है, माँ बाप की और ज़्यादा फिक्र बढ़ रही होती है कि कल को इसके हाथ पीले होंगे तो क्या होगा, ये होगा, वो होगा। कुछ माएँ पेटी की ज़्यादा फिक्र करती हैं, मगर कुछ माएँ बेटी की ज़्यादा फिक्र करती हैं। और बेटी की फिक्र करते हुए वो अपने जहन में दो तीन चीज़ें गिठान की तरह बांध लेती हैं कि ये पेटियाँ बेटियाँ तो बनती रहेंगी, मगर एक्चुअली जो बेटी को बनाना है वो हमें उसे आहिस्ता आहिस्ता समझाना है। माएँ अपने एक्सपीरियंसेस के बल पर बेटी को बहुत सारी चीज़ें बताती हैं, समझाती हैं। और अगर हम उसके दिमाग की पेटी की बात करें तो हम चंद बातें ऐसी हैं जो हमारे माशरे में माएँ बेटियों के जहन में डालती हैं। बर्दाश्त, बर्दाश्त का दामन अपने हाथ से जाने नहीं देना। सब्र, तहमल, अपनी सेल्फ एस्टीम का ख्याल रखना, अपनी रिस्पेक्ट का ख्याल रखना, रिश्तों को चलाना, रिश्तों से रख रखाव, किसके साथ कैसा बर्ताव करना। बहुत सारी माएँ अपने हस्बैंड की, अपने ससुराल वालों की फ़िक्र करना, लेकिन साथ अपनी भी फ़िक्र करना। सो बहुत सारी माएँ जो अक्लमंद माएँ हैं वो बेटियों को दोनों तरफा फ़िक्र और अक्ल देती हैं। ये नहीं कहती हैं कि मर के निकलना, तुम जा रही हो तो जाके मर के निकलना। हमारे मज़हब में ऐसा कहीं सुना ही नहीं गया, ये आपने बड़ा इंडियन फिल्मों में सुना है और इंडियन फिल्मों से सुनते सुनते ये आपके तरबियत का हिस्सा बन गया। सो जो पेटी है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बेटी है, और वहाँ माँ ने क्या क्या मशवरे दिए हैं वो बेटी उस वक्त तो कह रही होती है अम्मी क्या है, अम्मी नहीं ना भाई, क्या बोल रही हैं आप, मुझे नहीं सुनना। लेकिन ये जो क्या बोल रही हैं मुझे नहीं सुनना के पीछे एक ऐसा दिमाग है जहाँ ये बातें असर हो जाती हैं, और जब जब उन बातों की ज़रूरत उसे ज़िंदगी में पड़ती है तो वो उसे यूज़ करती है। वो अम्मा की बताई हुई बातों को पिक करके उस पज़ल में शामिल करती जाती है और उसकी ज़िंदगी का पज़ल बहुत उलझा हुआ नहीं होता, समेटती चली जाती है। तो आइए कुछ बातें ऐसी जो हमारे सेलेब्रिटीज़ को उनके पज़ल में उनकी अम्मा ने डाल के उनको विदा किया वो हम उनसे जानते हैं, सुनते हैं, ताकि बहुत सारी ऐसी माएँ जो शायद इतने मशवरे नहीं दे पाती अपनी औलादों को, हमारे मशवरे सुन के कुछ उनके दिमाग में नई चीज़ आ सके। क्योंकि हर ज़माने के अपने एक मशवरे होते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि उन माओं को बेटियां समझा रही होती थी, आपने गलती की है, वही गलती हमसे रिपीट ना करवाएं। क्योंकि आजकल की तो बच्चियां भी बहुत समझदार हैं, मगर कुछ बच्चियां बड़ी लाओबाली होती हैं और उनको इस माँ के दर्द की ज़रूरत होती है। तो आइए यही समझ लीजिए कि आज अलग अलग माओ ने जो दर्द हमें दिए, जो बातें हमें समझाईं, जो जाने अनजाने में हम तक पहुँची और हमारे दिमाग में रह गई, उनको आप तक पहुँचाते। तो आइए एक खूबसूरत सा प्रोग्राम सारी माओं और बेटियों के नाम। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। तो आज हम अपनी सेलेब्रिटीज से पूछेंगे कि उनकी संदूक में अम्मी ने क्या क्या मशवरे डाले। अभी दो तैयार हो रहे हैं क्योंकि ये जो इवेंट होता है ना इसमें बड़ी तैयारी होती है, सैलून में बड़ा रश होता है और इस वक्त तो हुआ वायरस
क्योंकि शादियों का सीज़न चल रहा है। तो अभी जो दो सेलेब्रिटीज सही तौर पर तैयारी के साथ आ चुके हैं वो हमारे सामने बैठे हैं, डॉक्टर आयशा अब्बास हमारे सामने, जो कि हमेशा बड़े अच्छे मशवरे अपनी अम्मा के दिए हुए बताती हैं और उसी की मदद से अपनी ज़िंदगी की गाड़ी माशाल्लाह चला रही हैं, और हमारे साथ हैं फहीमा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, मेरी आंखें खुल गई हैं, है ना? सुबह सुबह आंखें खुल गई होती ना, ब्राइट क्या क्या कुछ करते हुए ब्राइट कलर से ना, यू नो, मैं अलाइव हो गई हूँ। मैंने कहा लोग रात को तो देख रहे हैं ये कलर्स, क्यों ना इनको सुबह सुबह भी दिखा जगा दे इन सबको, है ना? जो कलर्स होते हैं वो आपको वाकई एकदम आपकी जो आंखें चुनियाई हुई होती है सुबह सुबह ब्राइट कर देते हैं, ब्राइट कर देते, राइट। सो जिंदगी ब्राइट करने में हमारी माओ का बहुत हाथ है ना। तो अगर मैं कुछ शुरू करूं बातें कि भाई वो ब्राइटनेस अम्मी की तरफ से, कभी कभार अबुओं की तरफ से भी आती है वो ब्राइटनेस, कभी कभार अबुओं के मशवरे भी ऐसे होते हैं कि अम्मा के चार मशवरे एक तरफ और अबू का एक मशवरा तजर्बा होता है, हाँ, एक नज़र होती है। क्योंकि कभी कभार माएँ ज़ाहिर है औरतों की तरफ से सोच रही होती हैं, लेकिन बाप जो हैं वो मर्दों की पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे होते हैं कि हस्बैंड्स को क्या अपनी बीवियों में वो क्या बात है जो अट्रैक्ट करती है और उनको उनके साथ निभाने पर मजबूर कर देती है। कुछ आदमी अपनी बीवियों के बगैर रह ही नहीं सकते, नहीं। वो इतने कोई अपाहिज हो जाते हैं बेगमात की वजह से कि वो उनको मैके भी नहीं जाने देते। सही बात है ना, बिल्कुल। तो वो ये गुण अब्बा के होते हैं। सो एक और बेटी तैयार है हमारे पास, यहाँ आइए वेलकम करते हैं। रबाब माइक लग गया? लग रहा है। और मदिया तुम्हारा माइक लग गया? आ जाओ अपनी टोकरी लेकर आ जाओ। मदिया इफ्तखार, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मदिया इफ्तखार के पास तो अम्मा ही नहीं बल्कि माशाल्लाह बहनों के भी बहुत सारे मशवरे हैं। फैमिली पूरी है माशाल्लाह, पूरी फैमिली क्योंकि सबसे छोटी रही है। आ जाओ बैठो। थैंक यू। और अब आप भी आ गई अपनी टोकरी लेके। अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक ठाक। ये वाइफ वो लड़की है जिसकी इतनी छोटी सी उम्र में शादी हो गई कि इसके मशवरे इसकी सास ने इसको दिए। बिल्कुल है ना, हाँ, मैं यही बोल रही थी कि यहाँ एक अनोखी चीज है। हाँ तो अच्छा है ना, आपको वैरायटी मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कि मैंने माँ से तो सीखा ही सीखा, हाँ, बल्कि नानी ने, क्योंकि मेरी नानी ने मुझे पाला, नानी से सीखा ही सीखा, मेरी सास ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। वाव, बहुत कुछ सिखाया। सो हमें अलग अलग दिमाग के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज मिलेंगे और वो सारे हम आपके लिए जमा कर रहे हैं। सो ये शो स्पेशली डेडिकेटेड है माँ और बेटियों के नाम। अब्बुओं को भी थोड़ा सा क्रेडिट दे देंगे, आप फिक्र नहीं करें, नाराज नहीं हुए दूल्हा भाई लोग, नाराज नहीं हुए। तो कहाँ से शुरू करें आप? एक एक फूल की क्या कहते हैं इसे, फूल, हाँ, फ्लावर बॉल है ये, फूलों के मशवरे जो कहते हैं ना। चलो फहीमा तुमसे शुरू करो। जल्दी उठना। अच्छा अच्छा निदा, मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मैं सोई भी होती थी, आराम से सो के उठती थी, अम्मी की एक जोरदार आवाज आती थी, उठ जाओ वरना सास जूते मारेगी, उठ जाओ उठ जाओ। हाँ। और हम सोए हुए होते थे आराम से, हमें आइडिया ही नहीं था कि शादी के बाद क्या क्या होता है, देर से सो के उठते थे। तो अम्मी यही कहती थी, उठो उठो उठो, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक थी सुबह उठने के बारे में अम्मी। और मैं यकीन जाने जो सबसे पहला झगड़ा होता है, चाहे कैसा भी ससुराल हो, मॉडर्न हो, सबसे पहला झगड़ा होता ही सुबह उठने पे। आई डोंट नो एग्जैक्टली, चाहे मेरा अब्बा हो, चाहे मेरी सास हो, चाहे किसी और की सास हो, मैंने सबसे पहली जो ये चीज देखी है, चाहे किसी तरह का भी घराना हो, एलीट क्लास हो, मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो, आप माने या ना माने, ये एक कोफ्त होती है बड़े बुजुर्गों को, चाहे ससुर हो सास हो, बहुत देर तक सोती है, बहुत देर तक सोती है। हमें तो कितनी दफा अपने अब्बा को चुप कराना पड़ता है, मेरी मदर इन लॉ को भी यही प्रॉब्लम थी कि इतनी देर तक सोते हैं, हमारा मेरा हस्बैंड देर से घर आता था तो कितना सही मशवरा सही है। वो कहते हैं ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। इसमें बहुत सारी मतलब रीजंस हैं, पहले से ही नाश्ता दें, तैयारी करें और हस्बैंड को भेजें, जैसे हम अपने बच्चे को भेजते हैं। हमारे दिन में भी है ना सुबह उठना, सुबह उठना, हम फजर में क्यों उठते हैं, फजर में उठे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं अल्लाह ताला से, कितनी सारी चीजें आप ले लेते हैं रिस्क आपका, बहुत सारी चीजें दीन के साथ अटैच्ड हैं जो हम अम्मी हमें समझाती हैं उठो, उस वक्त नहीं समझ आता, लेकिन शादी के बाद सास और ससुर भी यही, और इस बात को लाइट नहीं लेते, सुबह देर से उठना रिश्ते में एक एक बनती है, दड़ा बनती है, एक बनती है। मैं तो सुबह इतनी जल्दी उठती हूँ
और कब से जमाने से आदत बन जाती है, जब आपके बच्चे हो जाते फिर आपको और आदत हो जाती है। लेकिन शादी के शुरू में मैं नहीं उठती थी सुबह, और एक कुछ दिनों तक तो बर्दाश्त कर लेती हैं जब आप इकट्ठे रह रहे हो, लेकिन उसके बाद आपका एक ही कमजोरी बन जाती है कि ये लोग तो देर से सो के उठते हैं। ये चीज इसलिए हमें पता है, हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि इसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। अम्माओं के घर में तो अम्माएं दो दो चार चार बजे तक भी सोने देती हैं, चलो यार बच्ची है पढ़ रही है रात भर पढ़ती रही है, लेकिन ससुराल बट आपको फायदा ही होता है ना सुबह उठने से, फायदा ही आपका रूटीन अगर सेट कर लें दोपहर में थोड़ी देर सो जाएं जल्दी रात में, थोड़ा सा बच्चियां फंस भी जाती हैं, हस्बैंड जो है उनको होता है कि रात में फिल्म देखें साथ, रात में देर तक जागें, तो अब लड़कियां फिर फंस जाती हैं कि सुबह अर्ली कैसे उठें, वो अपने मियाँ को भी उन्होंने खुश करना है, तो फिर उन्होंने ससुराल में, तो ये थोड़ा सा बच्चियों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन जरा सी मुश्किल होगी उसके बाद मैनेज हो जाती है, हस्बैंड को समझाना आसान है। पॉइंट इज कि हस्बैंड को भी समझना चाहिए ना कि अगर सुबह उठना है तो फिर, क्योंकि मैं और शाजिल भी पूरी रात हम लोग जागते थे और ऑब्वियसली सुबह उठने में देर होती थी, तो मुझे अंदर गिल्ट होता था यार क्या सोच रही हूँ, खुद ही गिल्ट होता है 12 बज गए या कभी इस तरह, तो मैं कोशिश होती थी 10 से 11 के बीच में किसी तरह कोशिश करके उठ जाऊं, चाहे मैं गिर रही हूं इधर उधर, लेकिन सबका ये होता है क्योंकि फिर हस्बैंड और वाइफ का तो सिर्फ रात का ही टाइम होता है, काम से घर आए और फिर उसके बाद आप कहीं आउटिंग करने चले गए, फ्रेंड्स के चले गए, पर क्या करें, लेकिन कोई माने या ना माने ये है एक ऐसी, ये तो बेसिक सुबह उठने वाली चीज, आप भी मुझसे मुत्तफिक होंगे कि शायद सास ये नहीं कहती होंगी कि तुम सुबह जल्दी नहीं उठती, लेकिन वो किसी और बहानों से जरूर कोई ना कोई चलते फिरते जुमला आगे चली जाती कह देंगे, है ना, ये तो है बिल्कुल जी। तो आगे बढ़ते मदिया, मेरा है रख रखाव। सो बेसिकली बचपन से ही अम्मी अबू ने ना बहुत ही फॉर्मेलिटीज और रख रखाव तो हमें सिखाया हुआ ही था कि बड़ों की इज्जत करना, छोटों से इस तरह करना, सब पता था, जाना आना हो तो उसमें मतलब गुलाटी नहीं मारना, जाना खानदान में ससुराल में कि जाना है, ये नहीं बोलना कि मैं बिजी हूँ या इस तरह के रख रखाव, एक तो बचपन से भी थे क्योंकि रिश्तेदारों के साथ भी आना जाना करना होता था, तो अम्मी अबू कहते थे जाना है ये करना है, तो जब शादी हुई तो यही होता था कि रख रखाव रखना, तमीज करो और अच्छे से रहना एक दूसरे के साथ, के मतलब अगर उधर जा रही हो तो उनके घर के भी जो माहौल है वो अडॉप्ट करो, तो उसको अडॉप्ट करने का इतना मार्जिन रखो कि उनके साथ भी मिलके चल सको, जो उनकी मेंटेलिटी है उसके हिसाब से होती है ना, आपकी अलग होती है फैमिली की और सामने वालों की बिल्कुल टोटली अलग होती है, उसमें एडजस्ट करना, उसमें एडजस्ट करने के लिए बस कहते हैं कि नहीं रख रखाव रखना जरूरी है, अगर कहीं जा रहे हैं वो तो उनके साथ जाओ, जो देना दिलाना है वो करो, और इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा सिखाई थी कि तुम्हें तो तुम्हारी अम्मी ने सिखाई थी, मेरे अब्बू तो सख्ती करते थे हमारे ऊपर, कोई खानदान में वो प्रैक्टिस अब्बू ने वहां से शुरू कराई, खानदान में दूर परे की भी कोई शादी होती थी और हम मतलब लाइक हमारी उस वक्त शादी नहीं हुई थी, अब्बू जबरदस्ती लेके जाते थे, मैं क्योंकि 9 बजे पता नहीं क्या होता था मुझे 9 बजे सो जाती थी, तो शादियों में जाके टेबल पे सर रख के सोई हूँ मैं, अब्बू जबरदस्त कहने लगे देखो कोई आपके रिश्तेदार अमीर होते हैं कोई गरीब होते हैं कोई कैसे, लेकिन आपने सबसे बराबर रखना है। सो ये अब बात समझ आती है कि अब्बू ने वहां से आदत डाली, जबरदस्ती सख्ती से जाना पड़ेगा वरना तुम्हारी दोस्तों क्या मैं नहीं जाने दूंगा, बड़ा ब्लैकमेल कर करके लेके जाते थे शादियों में, और वही चीज अडॉप्ट करके ससुराल में भी, अगर यासर ने कह दिया यार हमें जरूर जाना है, मैंने कहा हाँ ठीक है फौरन तैयार, क्योंकि जाना कभी कभार थोड़ा उसको ब्लैकमेल भी करती हूँ, नहीं जाऊंगी फलानी चीज करो पहले मानो ये वो, लेकिन हम मेक श्योर करते अभी भी, क्योंकि वो आदत अब्बा ने डेवलप की हुई है कि रिश्तेदारों के यहाँ रख रखाव मिलना मिलाना जरूरी, शादियों में तो मिलते हैं आप शादियों पे भी, जनरली वैसे भी जैसे अब जो बड़े हैं बड़े बुजुर्ग हैं, आप कभी उनके घर चले जाएं उनसे मिल लें तो उनका बस दिल ही खुश हो जाता है, बेशक अब आधा घंटा ही बैठ जाए एग्जैक्टली, तो बस और तो कुछ भी रही है, तो ये वाली चीजें तो मैटर करती हैं आई थिंक, ना सिर्फ ससुराल में बल्कि अपने घर में भी मैटर करती है कि आप अपने पिता या जो ओल्ड एज में आ चुके हुए हैं उनसे जाके बस मिलने उनकी जिंदगी कितनी थोड़ा टाइम दे दो उनको, थोड़ी सी बात करते हैं। मैं कहीं पढ़ रही थी कि माओं की उम्र बढ़ जाती है अगर उनके साथ बच्चे टाइम ज्यादा स्पेंड करें, भले एक घर में रहते हैं लेकिन टाइम नहीं स्पेंड करते ना, एक ही अंडर वन रूफ रह रहे हैं, बच्चे इतने बिजी हो गए हैं, सो माओं को बस आते जाते सलाम दुआ करते हैं, तो मैंने कहा मतलब रिसर्च ये कहने लगी है अब, क्योंकि हमारे यहाँ शुक्र है ओल्ड हाउसेस कम है लेकिन
वेस्ट में तो ओल्ड हाउसेस बहुत ज़्यादा और एक और मिसकंसेप्शन ये भी हो गया ना निदा कि हम जो भी कोई परेशानी में होता है या ओल्ड हो जाता है हम उसको छोड़ देते हैं कहते हैं ये तो वही पुरानी दकियान उसी बातें करते रहते हैं इनसे बातें नहीं करें हालांकि यही है कि आप किसी का गम सुनेंगे तो आपका गम ख़त्म होगा तो आपको सवाब भी मिल रहा है और उनको भी टाइम आप दे रहे हैं तो उनकी भी उम्र बढ़ रही है उनका भी दिल खुश हो रहा है वो सब चीज़ें चेंज होती जा रही हैं हम टाइम देना छोड़ रहे हैं हम सेल्फिश हो गए हैं हमारे बच्चे ये चीज़ अडॉप्ट कर रहे होते हैं वो देखते हैं अगर घर में अगर कोई बुजुर्ग है सास है या माँ जो भी रह रही है और बच्चे देख रहे हैं वो जज्ब कर रहे हैं कि अगर हमारे माँ बाप दे रहे हैं उनको टाइम बैठ रहे हैं तो उन्होंने भी वैसे ही करना है ये हम अपने बच्चों को सीखेंगे जो हम कर रहे हैं बच्चे सिखाने से ज्यादा हम जो कर रहे हैं वो सीखना हमने भी रख रखाव बहुत जरूरी है इससे सासें भी खुश होती है और सबके लिए अच्छे से मिलना सबसे ज़ाहिर है इतना ज़्यादा तो नहीं इंटरेक्शन रहती पर जब ये अच्छे से मिले ज़्यादा इतने गॉसिप में और ज़्यादा उनकी पर्सनल लाइफ में मेरे ख्याल से घुसने की घुसना नहीं चाहिए लेकिन बस मुझे सुनना होता है सिर्फ बैठ के सुनना होता है इतने मशवरे नहीं देने होते हैं ना सास बहू में मेरी अपनी सास से एक दोस्ती भी है तो जो वो अगर नहीं किसी को कहती है या तो वो मुझे कह देती है तो कहते मुझे चीज़ बुरी लगी है या तो मैं कहती हूँ ठीक है वो चीज़ सही से कर लें तो आई थिंक तरीका भी होता है कुछ सासों का डिफरेंट होता है वो आपको ताने देते हैं अजीब तरीके से बात करती है तो बहुएं भी मुकाबले में आ जाती हैं लेकिन अगर वही बात एक बंदा तमीज से कर रहा है और आपको समझा रहा है कि ये चीज़ नहीं सही लगी मुझे तो आपको भी होता है यार कहीं मैं गलत होंगी कोई बोला वरना क्यों कोई बोले बिल्कुल तो आई थिंक इस तरह का भी रखना चाहिए यूजुअली मदर इन लॉज को कि वो इतना भी अगले को डोमिनेट ना कर दे कि वो बहू जो नई घर में आई है वो भी डर जाए कि यार मैं क्या करूं डराए नहीं दोस्ती रखेंगे तो कनेक्शन चलेगा ये प्यार मोहब्बत का रिश्ता क्योंकि आपके रोब में वो शायद कुछ महीने तक तो आएगी फिर उसके बाद ना उसको होगा अच्छा जरा मैं सेट हो जाऊं फिर मैं बताती हूं टू वे ये टू वे होना चाहिए समझना चाहिए कि आप वन वे ट्रैफिक नहीं होनी चाहिए ना कि आप भी कर रहे हैं तो सामने वाला भी समझे क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई बहू का दौर नहीं आएगा आएगा ऐसा नहीं है बहू का दौर भी आएगा वो जल्दी आ जाता है आता है कितनी जल्दी आता है बिल्कुल जी डॉक्टर आयशा क्या है आपकी पिटारी में मेरी पिटारी में है कोई जरूरी बात कोई जरूरी बात ये था कि अम्मी ने ये ज़रूर कहा था कि लाइक जब आप दूसरी जगह पे जा रहे हैं ना तो वो लोग आपस में कोई ना कोई डिस्कशन तो उन लोगों की होगी उस फैमिली की कोई ना कोई इम्पोर्टेंट डिस्कशन होगी अब आप एक स्ट्रेंजर बन के वहाँ जा रहे हैं अब एकदम माहौल भी डिफरेंट है और वो हर चीज़ तो तुम पे नहीं एकदम से डिस्क्लोज भी करना चाहेंगे कुछ उनकी पर्सनल बातें होंगी थोड़ा ठीक है एक एकदम से वो नहीं उनको भी थोड़ी झिझक होगी तुम में झिझक तो वो एकदम से अपनी हर चीज़ तो नहीं शेयर कर सकते टाइम लगता है चीज़ों में तो अगर वो लोग सारे बैठे हुए हैं और कोई आपस में कोई अपनी सीरियस नोट्स पे कोई बात कर रहे हैं कोई अपनी फैमिली की बात कर रहे हैं अचानक कोई चीज़ शुरू हो गई है या कोई फ़ोन कॉल आ गई है एंड यू थिंक कि कोई उनकी कोई बहुत पर्सनल तो खामोशी से उठ के अपने कमरे में चले इतनी अच्छी बात है क्योंकि झगड़े होते हैं इस पे बहुत होते हैं मतलब बहू फील करती है कि अम्मा मुझे बिल्कुल ऐसे कर दिया मेरे साथ सामने कोई आप लोग प्राइवेट बात करें मिलके मुझे बिल्कुल मतलब मैंने ये देखी है अच्छा उसमें ये होता है कि ना कई दफा तो ऐसा होता है कि गुजरते गुजरते आप पानी पी रहे थे और पता चला कोई बात हो रही है तो बिला वजह जानबूझ के वहां बैठ गए सुनने की कोशिश करी सुनने की कोशिश ही ना करें आप अपने काम बंद कर लें अम्मी ने हमेशा ये कहा कि भाई अपने काम से काम रखो अगर वाकई कोई सीरियस बात हो रही है तुम्हारा इन चीज़ों से ताल्लुक क्या है तुम अभी हमें जगह बनानी है सब कुछ करना है वो लोग कोई बात करें खामोशी से उठ के चले गए इन चक्करों में ना पड़ो जितना है बस अपना वो रखो अपने काम से काम तो वो लोग कोई ज़रूरी बात कर रहे हैं उनका कोई सीरियस इश्यू है कोई मैटर है लेट देम सेटल और कोई भी बात हो रही है अपना अगर वो खुद शामिल करें तो और बात है लेकिन आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि कहाँ क्या करना है बच्चियों को नहीं पता होता कम उम्र की और जब बच्चियों की शादी हो जाती है तो उनके लिए बड़ी हर चीज़ शॉकिंग होती है
कि यार ये तो हमारे घर में तो ये नहीं था, यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब क्या होता है, मीटिंग क्यों करते हैं सारे बैठ कर लड़कियां ये फील करती हैं कि अगर ये लोग इकट्ठे हैं तो जरूर मेरे ही बारे में बात कर रहे होंगे, ऐसा नहीं होता, उनके कोई अपने भी तो इश्यूज हो सकते हैं, कोई अपनी पर्सनल बात जो वो उस वक्त सेटल करना चाह रहे हो या होता है मैं बताऊँ, मगर आपको उसको दरगुजर करना चाहिए, ये हम अपने एक्सपीरियंस से सीख के बता रहे हैं कि आपको अगर हो भी रही है आपके बारे में बात तो अगर आप सुनेंगे तो लड़ाइयाँ बढ़ेंगी, झगड़े बढ़ेंगे और तकलीफ होगी, आप अपने हस्बैंड को शिकायत करेंगे कि ऐसा बोला था वैसा बोला था, तो इस बेटर ये है कि ना आप कान लगाएं ना सुने, अच्छा भी स्पेस दें अपने आपस की बातें, हम ये बातें कर तो रहे हैं, ये बातें हमें शायद उस वक्त समझ नहीं आती, नहीं आती बिल्कुल, हमारी यंग एज तभी आपको समझा रहे हैं अपने एक्सपीरियंस, क्योंकि ये बातें हमें जाके अब मैच्योर जब हुए तब समझ आ रही है, हमने इतनी छोटी छोटी बातों को दिल क्यों दुखाया कि हाय मुझे तो याद है कि मैं तो जरा सी बात होती मुझे लगती थी मैं रोने लग जाती थी, मैं तो रोने लग जाती थी, हर बात पे रोने लगती थी, आंसू दर 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 गिर रहे हैं, जबकि कोई शायद इतनी बड़ी बात ना भी होती हो मगर हमारे लिए उस वक्त वो बहुत बड़ी बात होती थी और मैं तो फौरन रोना शुरू हो जाती थी, कैसा क्यों कहा। सो क्या होता है जब आप फिर छोटी छोटी बातों पे रोते हैं ना तो आपके रोने की वैल्यू खत्म होती जाती है कि ये तो जब देखो रोती रहती है, इतनी सी बात हुई है उस पर रोती रहती है, और हर वक्त जो शिकायतें लगा ले रहा, ये तो खैर अब अम्मी ने मुझे बहुत वो किया था कि जो शिकायतें है ना कि अगर सास ने कुछ कह दिया जाके हस्बैंड को बता देना, खुद भी तो समझो पहले कि किस बात पर हुई है, हाँ अगर तुम्हें लगे कि ये चीज़ तुम गलत नहीं थी यहाँ पे और अगर हस्बैंड वहाँ है और उसने वो चीज़ देखी है और उसने रिएक्ट नहीं किया वो एक अलग बात है, अगर तुम गलत हो नहीं हो तब, अगर तुम गलत हो तो जाके शिकायतें लगाना कि तुम्हारी माँ ने कभी मुझे ये बात कर दी थी या ये कर दी थी, ये कभी मत करना। तो खुद ही अपनी और अपनी सास के बीच में जो भी मसला खुद ही सॉर्ट आउट कर लो, सॉरी कर लो, खत्म कर दो बात, उसको लंबा खींचो नहीं, दो दो चार चार दिन। अच्छा बहुत सारे घरों में ऐसा भी होता है कि हस्बैंड बीवी को कहते हैं यार तुम्हारे अब्बू को ऐसे नहीं करना चाहिए था, यार तुम्हारी बहन ने भाई अम्मी ने ऐसा किया ना ये सही नहीं था, आप सुन ले लेकिन अपनी माँ और बहन और अब्बू तक ना पहुँचाए, क्योंकि उस वक्त जज्बाती हो के आपके मियाँ ने कह दिया है लेकिन आपके फिर मैके वालों के दिल में ना दरार आना शुरू हो जाता है, फिर वो इज्जत नहीं दे पाते अपने दामाद को, जो मतलब लाइक फिर वो फील करते हैं, फिर बात बढ़ती है यार तुम्हारी बहन ने मुझे सलाम नहीं किया, क्या बात है, क्या कहा तुमने उससे, ये चीजें उस वक्त समझ नहीं आती, वो जाता है बड़ा डबल गेम खेलना पड़ता है लड़की को। अब मेरे हस्बैंड हमेशा बड़ा समझदारी से चलना पड़ता है, ये एक बात, एक ब्रेक के बाद हम इन मशवरों को इन पटियों को जारी रखेंगे, समझे कि आज हम आपको पटियां पढ़ा रहे हैं कि जो गलतियां हम सब से हुई या और यंग एज में लड़कियों से होती हैं उससे आप ना गुजरें और थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी टाइम गुजारें, वो वक्त बहुत प्रेशियस होता है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारी पेटी में जो हमारी माँ ने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज डाली वो है उनकी नसीहतें, वो है उनकी समझदारी वाली बातें, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं और कुछ पेटी में हमने खुद डाल के रखी हैं अपनी बेटियों के लिए सो वो भी हम आपसे शेयर कर रहे हैं। तो जो ये रबाब की बारी थी डॉक्टर आयशा की, डॉक्टर आयशा ने कह दिया था रबाब ने नहीं निकाला टेबल डिकोर। अच्छा जी, टेबल डिकोर हर पेरेंट्स से आप कैच करते हैं कि जी घर को कैसे सजाना है क्या करना है, हमारा अपना तरीका था सजाने का कि भाई मेहमान आए हैं तो कैसे टेबल लगेगी कैसे ट्रॉली लगेगी, और सास से एक अलग तरीका सीखा उनसे, उनका एक अलग तरीका था उसको अडॉप्ट किया, तो उन्होंने कहा था नहीं हमारे घर का तरीका ऐसे है, ऐसे डेकोर करते हैं, ऐसे सर्व करते हैं, इस तरह डिश रखते हैं, तो वो एक डिफरेंट चीज़ें थी कि अम्मी से सीख एक अलग तरीके की मिली और एक सास से सीख एक अलग तरीके की मिली, जिसमें आप फिर पैनिक हो जाते हैं क्या करें, जो अम्मा ने बोला था कि वो करें, जो सास ने कहा था वो करें, मगर जिस घर में आपने रहना है एक्चुअली आपको वहाँ सीखना पड़ता है कि उनका तौर तरीका क्या है, तो वो सीखना पड़ता है। अच्छा लेकिन मुझे ऐसा लगता है कभी कभार अगर माएँ थोड़ी सिलीकाशार होती हैं और सासें इतनी नहीं होती, और अगर आपने माँ से कोई अच्छी चीज़ सीखी और आप अप्लाई करते हैं उस घर में, सो अप्रिसिएशन मिलती है आपको सास की तरफ? नहीं मिलती, कभी कुछ चीज़ों पर मिलती भी है, कुछ चीज़ों पर सास ये भी कहती है कि नहीं हम बेहतर कर रहे हैं,
ये फेस करना पड़ता है निदा, ये चीजें आपको फेस, ये एक रियलिटी है कि आपको ये फेस करना पड़ता है कि आप जितना भी अच्छा कर रहे हो, सामने वाले के दिल में ये आता है कि नहीं, मैं तो अपने घर को इतने सालों से रख के इतना बेस्ट कर चुका हूँ, आप कैसे आके उस घर को चेंज कर रहे हैं? हाँ, 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 आप तो बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं, मगर उसमें थोड़ा टाइम लगता अच्छा, है। इस चीज से मैं नहीं गुजरी तो मुझे अंदाजा नहीं है, तो तुम लोग बताओ क्या करना चाहिए। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बड़ा आपको तरीके से लेके चलना आपको। हाँ, क्योंकि मेरी एक यंग एज में शादी हुई थी, थोड़ा सा मैं पैनिक कर गई थी, और मेरे एक होता है यंग एज में आपकी एक जज्बात और होते हैं, और आप जब मेच्योर हो जाते हैं फिर आप अंडरस्टैंड करते हैं कि यार वाकई अगर अब मैं सोचूं कि मेरा घर आके कोई दो मिनट में चेंज करेगा तो मुझे भी बुरा लगेगा कि मैंने इतनी मेहनत से घर सजाया हुआ है अपना, और इतना मैंने वक्त लगाया है, और उसको अगर मेरी बहू आएगी और वो दो मिनट में कहेगी कि जी मैं तो ये इसको चेंज कर रही हूँ, वो हो सकता है कि वो उससे 100 times बेटर चेंज कर रही हो, बट आपको जरा सा एक कोने में आता है कि यार क्यों, तो शायद हमारे टाइम पे भी हमारी सासों के दिल में ये आता होगा कि यार ये मेरा घर बना बनाया क्यों ऐसे चेंज कर रही है, मेरा तो ये असूल है घर का। तो वो आपको तरीके से लेके चलना चाहिए और तरीके से उस चीज को मैनेज करना चाहिए। मैंने ये देखा है जो समझदार लड़कियां कहती हैं अम्मी बताएं ये सही लग रहा है ऐसे करूं, उनको ये ना जताएं कि आप ये सीख के आई अपने घर, उनको उनसे पूछ पूछ के अगर आप करेंगे बिल्कुल तो और अच्छा लगेगा, उनकी एक अना को तस्कीन मिल जाएगी। ये अना ही तो है जो रिश्तों को बिगाड़ती है, और मैंने यही फिर मैंने वो अप्लाई नहीं किया ज्यादातर जो मेरे घर से मैं सीख कर आई, फिर मैंने वहां पे उनके साथ मिलके एक रिलेशनशिप बनाया कि फिर वो उनको आदत हो गई कि अच्छा हाँ मैं ये कर खाना रही पका तो। रहे हैं अपने तरीके का, अम्मी टेस्ट करें नमक कम तो नहीं, बताएं क्या करूं, और मतलब ये छोटी छोटी मेरे घर के खाने बनाने में और मेरे ससुराल के खाने बनाने में जमीन आसमान का फर्क था, मगर मैंने उनका खाना अडॉप्ट किया क्योंकि रहना मुझे वहाँ है। ये बातें जो सारी हम करे शायद हमने तब अप्लाई नहीं की, मैं बार बार आपको कह रही हूँ बिल्कुल की आप लोग कह रहे होंगे सती सावित्री बनी हुई है, बिल्कुल नहीं, फर्क आता था, मुझसे खाया नहीं जाता था कभी कभी, मुझे अपने घर का खाना मिस करती थी मैं कि मुझे ये खाने का दिल चाह रहा है। तो आपको बहुत चीजें दरगुजर भी करनी पड़ती हैं और सीखनी भी पड़ती हैं, और आज मैं खाना, मेरे सब कहते हैं कि मैं बड़ा बेस्ट खाना बनाती हूँ, मैं बड़ी अच्छी कुक हूँ, और यकीन कह रहे हैं मैंने अपनी सास से सीखा है। मैं भूल गई जो मेरे घर वालों ने मुझे सिखाया था या मेरी नानी ने मुझे सिखाया था, और मेरी वाकई जो मदर लॉ थी उनके रंग में रंग जाते हैं, बहुत अच्छी कुक थी भाई। मतलब मैंने तो खाना पकाना ही शादी के बाद सीखा, मैंने इतने शौक ही नहीं था खाने के, अम्मा ने कभी बर्डन डाला ही नहीं, कभी भी नहीं। अम्मी बस एक बात कहती थी, मुझे खाना सिखा के नहीं भेजा था, क्योंकि बेटा लड़की पढ़ी लिखी होती ना उसको आ जाता है खाना पकाना, अपनी एजुकेशन पे गौर करो, सिर्फ रोटी बनाना, अपनी पढ़ाई पे गौर करो, अभी इस वक्त तुम्हें आ जाएगा, तुम्हारी अम्मा को आता है, मेरी अम्मी तो अचार डालती थी, हलवे पता नहीं क्या क्या, और सब हैरान होते थे। किचन में नहीं घुसने देते ना पेरेंट्स, आपके चाहते जल ना जाए, अभी शादी होनी है, अभी ये कुछ ना हो जाए, नहीं कुछ नहीं कुछ माएं स्पेशली करती हैं शादी से पहले सिखाती हैं, लेकिन मेरी अम्मी का जोर था, सिखाया ये जुल्म था मेरे ऊपर, मेरी अम्मी ने मुझे किचन में घुसने ही नहीं दिया। उस वक्त मुझे भी लगता था रबाब कि मैं अम्मी को कहती थी आपने अच्छा नहीं किया मुझे सिखा ना सिखा ना। क्योंकि जो मुझे अभी बेयर करना पड़ रहा है ना, मैं हर चीज में परफेक्ट हूँ लेकिन मैं किचन में परफेक्ट नहीं, तो मुझे उसके ताने बेयर करने पड़ते हैं, चलते फिरते कभी हस्बैंड बोल देता है कभी सास, जबकि मैंने उनको बताया हुआ था, मगर फिर भी कोई एक इम्परफेक्शन रह गई ना मेरे अंदर, उसको उसके लिए मुझे जंग लड़नी पड़ रही है, मुझे एक चीज बनाने में 2.5 घंटे लग रहे हैं क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, तो मुझे जंग लड़नी पड़ रही है। आपको चाहिए था मुझे सिखाना, आप इस पे जोर देती मुझे, मैंने अपनी अम्मा को बोला था, लेकिन जैसे जैसे मैच्योर हुई तो समझ आया कि हाई ये तो बड़ा आसान है, मगर मेरी सास ने मुझे किचन के मामले में ऐसा परफेक्ट कर दिया था ना, हर चीज उन्होंने मेरे घुट्टी में जैसे नहीं डाल देते जैसे पेरेंट्स माँ माए डालती है ना, उन्हें डाला था सिखाया सलीका कि किस तरीके से किचन चलाना है। मेरा ये ईमान है आपको खाना पकाना, आपने पकाना है या नहीं पकाना, आपको आना चाहिए, आना चाहिए बिल्कुल, आप डिपेंडेंट नहीं हो किसी मासी आएगी तो पकाएगी, क्या होगा डिपेंडेंट, आप डिपेंडेंट हो जाते हैं, आपको आना जरूर चाहिए। और ये कुक का तो अब ट्रेंड चला है, पहले तो उस टाइम पे तो कुक का कोई था ही नहीं सब घर पे, आप घरों में शादियों के जाते हैं वो कहते हैं तुम्हें परियों की तरह रखेंगे, खाना तुम्हारे हाथ का, एग्जैक्टली जिनियोटी फैमिली है वो अमीर कबीर लोग होते हैं, बहुत सारी फैमिली से वो कहते हैं सालन रोटी भले बनवा लो किसी से,
सालन घर का जो मेन डिश है वो तो बीवी ही बनाए। हाँ, ये रूल है कुछ घरों के, तुम्हें शहजादी की तरह रखेंगे, डायमंड की अंगूठियां पहनी हुई होंगी हाथों में, सब कुछ होगा, हर ख्वाहिश पूरी होगी, लेकिन किचन वो बीवियों के हाथ का मेन है ना, किचन ही तो है हर जगह का, लड़ाई भी किचन है, दोस्ती भी किचन है। कहते मर्द के भी पेट का रास्ता, दिल का रास्ता पेट से, ससुराल के भी पेट, दिल का रास्ता पेट से, घर वालों का भी। जहाँ आप खाना अच्छा दिखते हैं आप खुद ही अट्रैक्ट होते हैं। बट इन माई केस मुझे तो बाकी कुछ नहीं आता था, और मुझे, मैंने तो खैर इन लोगों से ऑनलाइन फोन पर ही, सास से मैंने बिरयानी पूछी कैसे बनती, अम्मी से मैंने पूछा बाकी खाने किस तरह बनते, प्रेशर कुकर लगाना नहीं आता था वो सीखा कैसे लगता है। तो शादी के बाद बहुत सारी चीजें आप सीख लेते हैं। और आपको ये भी नहीं पता होगा कि आप किस तरह के घर में जा रहे हैं, क्या आपका हस्बैंड कुक अफोर्ड कर सकता है नहीं कर सकता, क्या आपके हालात ऐसे हैं कि मतलब लाइक, और मोस्टली नहीं होते यार, मोस्टली अगर हम एक मेजॉरिटी को देखें तो लोगों के घर में कुक नहीं होते, नहीं रखना चाहते, रखना भी नहीं चाहते, और वो नहीं भी अफोर्ड कर सकते। तो हम मेजॉरिटी को देखें कि आप उस तरीके से चले ना, कि हम कुक तो होते हैं, फिर वो अलग क्लास होती है कि भाई कुक है, ठीक है, बनाना आना चाहिए, बनाना आपको आना चाहिए। लोग जो टीवी पे, और भले नहीं माँ ने सिखाया, आप शॉर्ट कोर्स करा दें। हाँ, बेटियों को एक जमाना था जब होते थे रंगून वाला हॉल में, नहीं होते थे शॉर्ट होते थे पहले, आजकल ये टेक्निक नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अभी भी है घर में होते हैं जहाँ पे आना जरूर चाहिए। तो मेरी बेटी तो सीख गई खुद बा खुद ही, मगर वो शौक की भी एक बात होती है, शौक की भी बात, जरूरत की बात होती है। मैं तुम्हें एक बताऊँ, मेरे ऐसे में लोगों को जानती हूँ कि वो शायद चाहते ही नहीं है किचन में घुसना, और वो कहते हैं कि नहीं हमने तो चाय भी नहीं बनानी, हम तो किचन में जाना ही नहीं चाहते। नहीं, ये गलत, अब मैं किचन में नहीं जाना चाहती, अब मैं अब नहीं ना। हाँ, देखो ना, क्योंकि टाइम भी नहीं है ना, टाइम भी नहीं, बस भी हो गई है। मैं अपनी मियां को बोलती हूं, नहीं आता बेचारा, आता बनाने का, आता है, अब अगर कुछ नहीं होगा पकाने को, कुछ होगा तो पड़ेगा, तो प्रैक्टिस तो नहीं है, लेकिन झटपट ऐसा नहीं है। क्या बात है कि अगर लड़की को सब कुछ आता है, ये उसके बहुत प्लस पॉइंट्स है। जैसे आपके जो अपने सर्वेंट्स है ना, जैसे ड्राइवर है, ड्राइवर तंग करने लग जाते हैं कई दफा। एक दफा मेरा ड्राइवर इतना तंग कर रहा था, मुझे याद है मैंने उसको बीच सड़क में उतार दिया था, मैंने कहा चलो बेटा उतरो, उसको तारा खुद ही गाड़ी ड्राइव कर रही है। कुक है अगर, अब कोविड आया, मुझे याद है कोविड के दिनों में कितना मसला हुआ था। आपको हर हुनर आपको हमेशा फायदा ही देगा, ये एक हुनर है। बहुत सारी मॉडर्न खवातीन कहेंगी क्या यार खाना पकाने पे, नहीं यार, ये बेसिक हुनर है, आपके सारे हुनर है, और ये जितने आपके एड ऑन होते हैं ये आपके एड ऑन प्लस 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 पॉइंट्स हैं। खाना बनाना, ये जो आप कमाते हैं किसके लिए, पेट के लिए कमाते हैं, अगर खाना नहीं अच्छा मिले तो क्या जिंदगी का फायदा है। कोविड में तो सभी ने खाने बनाने बनाए, मैं ये नहीं कहती कि आप शेफ बन जाएं, अगर आपको मगर नहीं दिल चाह रहा आप बेसिक तो सीख लें। लेकिन अच्छा, किसी के हाथ में रबाब कुछ भी कर ले, जायका ही नहीं होता बेचारी, मेहनत वो होता है, कुछ भी मेहनत कर ले, किसी के हाथ जायका होता ही नहीं। और कुछ लोगों के हाथ में गॉड गिफ्टेड होता है, अल्लाह की तरह बस यूं ही करते हैं और जायका हो जाता तो वो वाली चीज है। अब किसकी बारी है, तुम्हारी मेरी बारी। अच्छा, मैं यही बोल रही थी खाने पकाने का ही, मेरा भी था। मेरा जो नेक्स्ट था वो था रूटीन का था। क्या थी? दिल का रास्ता, पेट दिल का रास्ता खाने से ही, जिसको ये मैंने अम्मी से बहुत शादी से पहले ही समझ लिया था। फिर मेरी सारी बहनें भी माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना बनाती थी। तुम भी छोटी हो ना बहनों के, मैं भी सबसे छोटी थी, मैं खाना नहीं बनाती थी, वो खाना बनाती थी। फिर रिश्ते आने शुरू हो गए, मुझे समझ आया कि मुझे तो कुछ पकाना आता ही नहीं, अब होगा क्या मेरा। फिर मैंने सीखना शुरू कर दिया था अम्मी से, अम्मी क्या बनाती हैं। भाभी शादी होकर आई हुई थी, भाभी बहुत अच्छा खाना बनाती थी, उनकी बिरयानी, वो हैदराबादी फैमिली, उनकी बिरयानी, उनकी कढ़ाई, उनकी खीर चीज़ें, तो वो छोटी छोटी चीज़ें मैंने उनसे सब सीख ली। उसके बाद फिर जब शादी होकर आई तो यहाँ सारे शौकीन, सब खाने के शौकीन पंजाबी फैमिली, जिनको कुन्ना पसंद है, पाया पसंद है। और शादी के बाद बकरीद आई तो मेरी सास ने कहा पाई भी तुम बनाओगी, कलेजी भी तुम बनाओगी। ओह माय गॉड, मैंने तो सारी जिंदगी सब बना लिया, अब तुम बनाओगी, ये किचन तुम्हारा है, तुम संभालो। फिर तुमने बनाए, सब बनाया, सब पूछती थी सास से, आंटी से पूछती थी, अम्मी से पूछती थी कि अम्मी अम्मी आप शामी के बाद अम्मी बहुत अच्छे बनाती थी, उनसे पूछ के वो बनाए, सास से पूछ के कलेजी बहुत अच्छी बनाती थी, उनकी रेसिपी से कलेजी बनानी शुरू की। फिर उन्होंने पाए सिखाए मुझे, कुन्ना बनाना सिखाया,
हर चीज बना बना के ट्रेन हो गई। सही, चाहे आप कमाऊत बहू हो, चाहे आप डॉक्टर बहू हो, चाहे आप पायलट हो, चाहे आप जहाज उड़ाते हो, चाहे आप एक्टर्स हो, चाहे अगर आपको खाना नहीं पकाना आता ना, बस इतने आप में ऐब है। मुझे याद है निदा के जब मैंने एक्टिंग शुरू की उसके बाद मेरा दिल नहीं चाहता था कुकिंग करने का। मैं खाना भूल गई थी बनाना क्योंकि इतना थक जाती थी, मुझसे खाना नहीं बनता था। तो मेरी ससुर ने कहा वहीमा के हाथ से तो जायका चला के इसको ये तो खाना बनाना भूल गई। एक्चुअली मैं भूल नहीं गई थी, मैं बेदिली से बनाती थी। हाँ, कि जल्दी करो। जिस दिन आप बेदिली से खाना बनाते हैं आपको उस दिन आपके खाने में जायका नहीं। अब मैंने अपने आप से मैंने कहा ये क्या हो गया, मेरे हाथ का जायका चला गया, ये कैसे हो सकता है। फिर मुझे समझ आया कि नहीं, मैं बेदिली से बनाती हूँ, मैं दिल से नहीं बनाती। इसमें बहुत प्यार, बहुत खुलूस, मोहब्बत, वो चीज़ बहुत डालनी पड़ती है। और इसीलिए घर वाले मर्द कहते हैं कि घर की बीवी खाना बनाए, क्योंकि वो बहुत प्यार से बनाती है कि ये खाना मेरे बच्चे खाएंगे, मेरे माँ बाप खाएंगे, मेरा शौहर खाएगा, तो वो मोहब्बत होती है उस खाने में, इसलिए वो जायकेदार होता है। तो ये चीज़ अम्मी से सीखी और इसने बहुत मुझे बहुत बहुत हेल्प की। कि हस्बैंड कहते थे ये तुम बनाओ, तुम कीमा बनाओ, तुम ये बनाओ, आज ये बनाओ, ये बनाओ, हर चीज़ ला ला के देते थे। तो मैं बना बना के उनको खिलाती थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उनके दोस्त भी सब खुश होते थे। दावतें हो रही हैं, मैंने ही खाना बनाना। सारी बात का मेन कंक्लूजन ये है कि खाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन यही खाना, चाहे आप कुछ भी हो, चाहे आप कहीं भी पहुँच गए हो, कितनी भी आपने पढ़ाइयाँ की हो, और आपका हो कि भाई मेरी बहू टेका है, मेरी बहू का, लेकिन खाना नहीं तो कुछ भी नहीं। हाँ। और बड़े फखर से ससुराल वाले भी बोलते हैं हमारी बहू तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। ये इसके हाथ का आप खाएं और ये देखें, वो बड़े फखर से बताते हैं। यही आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, चल आगे भी बढ़े खाने से, बस कर दे पूरा, क्यों नहीं खा कुछ, लोग कहेंगे बस कर दो, खाना हो गया, पक्का सीख लेंगे, अब सीख ले, कहेंगे माफ कर दो, माफ कर दो। सो बेसिकली ट्रस्ट डेवलपमेंट, ट्रस्ट का ये था कि जाहिर सी बात है, एक आप नए घर में जा रहे होते हैं तो बहुत वही वाले, हम दोबारा से शायद उसी बात पर आ रहे हैं कि बहुत सारी बातें उनकी अपनी प्राइवेट होती हैं या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो ट्रस्ट डेवलप आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब आप टाइम स्पेंड कर रहे होते हो तो आपके और उनकी अंडरस्टैंडिंग से वो ट्रस्ट डिवेलप हो जाता है, जिसकी वजह से जो उनके प्रॉब्लम्स हैं या उनके कोई सीक्रेट्स हैं या उनकी कोई भी दिल की बात है जो वो आपसे नहीं शेयर करते, कुछ टाइम के बाद वो ट्रस्ट डेवलप होने के बाद आपको अपना फैमिली मेंबर तस्लीम कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे बिल्कुल भी, लेकिन अगर आप शुरू से ही उस पर आ जाएं कि भाई ये तो हर चीज़ मेरे अगेंस्ट चल रही है, आप जज कर रहे हैं, ये तो देखो ये मेरे खिलाफ ना चल रहे हो या ये ना हो रहा हो, तो उसमें ये मसले आते हैं। ट्रस्ट डिवेलपमेंट बहुत ज़रूरी है, ट्रस्ट डिवेलप करें एक दूसरे के साथ बातचीत करके। आपके दिल में कोई भी बात है आप उनको बताएं, ताकि उनको भी हो कि यार ये भी अपनी बात हमें बता रही है, हमसे डिस्कस कर रही है, जिससे आप लोगों की वो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग। ये ट्रस्ट होता ही इसी तरह डेवलप है कि बहू ने आके कोई अपनी बात डिस्कस की ससुराल वालों से, नन से, सास से, तो आहिस्ता आहिस्ता ये लेन देन वाली चीज़ शुरू हो जाती है। अच्छा ये इसने इतनी ज़रूरी इंपॉर्टेंट अपनी बहन की बात बता रही है या कोई ऐसी बात, कोई भी आहिस्ता। अच्छा ये भी गड़बड़ होती है कि जो बात ससुराल ने बहू से डिस्कस की है, बहू ने जाके फौरन अपनी अम्मा को जड़ दी और अम्मा को भी इतनी अकल नहीं कि वो फिर डिस्कस करने लगती है सास से, वहाँ ये होता है कि ये तो हमने अपनी बहू को बताई थी, उसे तुम की माँ बहन को बता दी और माँ बहने और आके टो ले रही है, सो वहाँ से फिर एक इशाश शुरू होता है कि तुम घर की बातें क्यों अपनी माँ को बता रही हो या बहन को बता रही हो, क्योंकि वो रोज अपनी अम्मा से फोन पे बात करती है, तो उससे बातों बातों में ये भी दोनों घरों में ना खुद ही से कॉम्पिटिशन बन जाता है, पता नहीं होता किसी को कि वो हो रहा है। लेकिन अगर यही वाली बात कि उसकी शादी हो रही है, बहुत सारी जगहों पे मैं देखती हूँ कि देख दोस्तों में या दूसरे लोगों में कि नंद की रिश्ता आया है तो साली का नहीं आया, तो उनके मूड ऑफ हो गए कि अच्छा उसके घर तो रिश्ता आ रहा है, हमारी बच्ची भी उसकी उम्र की, उसका तो रिश्ता आया नहीं, वो कॉम्पिटिशन बढ़ना शुरू हो जाता है। ये चीज बहुत नजर आती है मुझे होते हुए। तो ट्रस्ट इसीलिए जरूरी है कि जब आप अपनी चीजों को अपने घर तक रखें, बहुत ही कोई बड़ी बात है, बहुत ही कोई बड़ा डिसीजन लेना है, तब आप माँ बाप के पास जाएं, उनसे कहें अब आप डिसाइड कर लेंगे क्या करना है।
मगर तो यानी तुम्हारी बात से ये जो बात हमें समझ आई है वो ये कि अगर आपका ट्रस्ट डेवलप हो गया है, ससुराल वाले आपसे बात डिस्कस कर रहे हैं, तो छोटी छोटी बातें जाके मैके में ना जड़े है ना। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और सुनते रहिए कि हमारी पेटियों में और क्या क्या है। वेलकम वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज एक ऐसी डिस्कशन हो रही है जिससे हर कोई गुजरता है और उन तजुर्बात की बिना पर या अम्माओं की मशवरे की बिना पर हमने ये प्रोग्राम सजाया है और आपको सही वाले बिल्कुल जेन्युइन मशवरे दे रहे हैं कि इस चीज़ से हम भी गुजरे हैं, हमने बेवकूफ़ियाँ की हैं, आप नहीं कीजिएगा। अम्मा ने चाहे पिटारी में कुछ भी डाला हो लेकिन हमने उस वक्त अपनी अकल इस्तेमाल की क्योंकि हम अपने अंदर बहुत बड़ी चीज हुआ करते थे। हमें सब कुछ पता होता था, हम अपनी अम्मी को कहते थे ना, आपको क्या पता, हमें सब कुछ पता, हमें सब पता। लेकिन हमें अब जाके समझ आता है कि वो जुमला हमें सब पता है ये भी एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती थी, क्योंकि जैसे जैसे आपकी उम्र गुजरती है आपके अंदर समझदारी आती है, फिर आपको समझ आता है कि वो तो छोटी छोटी बातें होती थी जिसकी वजह से आपने अपना प्रेशियस टाइम बर्बाद किया। बिल्कुल है ना, ये क्वालिटी टाइम होता है शादी के शुरू के वक्त। तो मैं तो जिंदगी अब इंजॉय कर रही हूँ, साफ बात है। जो भी मुझ पर ट्रोल करता है, हाय हाय बुड्ढी हो गई है, ये हो गया, वो हो गया, बुड्ढी हो गई है, एक सेकंड क्या हो गई, कोई लाइफ यार क्या नहीं, ये हमारे मतलब हमें टाइम ही अब मिला है यार, हमारे मुल्क में अपनी जिंदगी की मेहनत मुशक्कत से मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हूं। नहीं, एज इज अ नंबर, और जो ये कह रहे हैं क्या उन्होंने नहीं होना, और दूसरी बात ये है कि ये अल्लाह को पता है किसने कितना जीना है और क्या, दूसरी बेशक, और चौथी बात ये है कि अगर कोई बुढ़ापे में बिल्कुल जवानी की तरह खुशबाश है तो अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि जिनको ये चीजें मुयस्सर नहीं होती ना, हमारी सेल्फ मेड लड़के से शादी हुई जो उस वक्त ग्रो कर रहा था, हम भी ग्रो कर रहे थे, हमने बड़ी मेहनत की, अगर इसको ये चीजें मुयस्सर है और अगर ये माशाल्लाह अगर ये ट्रैवलिंग करती है जो भी करती है, वो लोग बातें करते हैं, बातें सुनाते हैं, इतनी बात खुद नहीं, जैसे मैं उनके पैसों से ट्रैवल करती हूं, उसकी मेहनत है, उसने अपने नसीब का कमा रही है, अपने नसीब का ये ट्रैवल कर रही है। मेरे पास ये है कि अल्लाह ने हर किसी को जेवर नहीं जमा की, सही किया। अच्छा लेदा, बात ये कि हाईलाइट करने वाली ये बात है कि अल्लाह ने हर किसी को नवाजा हुआ है। आप दूसरों को मत देखें ना कि ये अभी हम मेकअप अपनी खुशियां तो देख ले, अपने अंदर तो झांके पहले के अंदर रखना है, और आपने नहीं घूमा तो आपके पास सब कुछ होता है ना। अच्छा भाई, किसकी पेटी में क्या है तुम्हारी? हाँ, क्या है? आयशा कब से पकड़ी पेटी में? अच्छा मेरी ये थी कि मेरे जो मियाँ हैं वो थोड़े गुस्से के हैं, उनका थोड़ा मसला है कि वो मिजाज के तेज हैं, तो मैं फिर अम्मी से वो करती थी। अच्छा, अम्मी का मुझे ये भी बहुत बड़ा मशवरा था कि बार बार फोन नहीं करना और इधर की बात उधर नहीं करनी, लेकिन मैंने अम्मी से ये जरूर कहा था कि ये वो बंदा ही नहीं है जो शादी से पहले और शादी होते ही ये बंदा बदल चुका है। तो उसके बाद अम्मी ने मुझे ये टिप दी थी कि जैसे ही वो ऑफिस से आता है, मतलब हॉस्पिटल से वो वापस आए और एंटर हो, तो मतलब वो होता है ना कि चेहरे पे काम की थकान और गुस्सा वो वाली चीज़, तो ठंडा पानी, तो वो चीज़ आज तक 25 साल से मैं यही काम कर रही हूँ। ठंडा पानी इधर आवाज़ आई, साइंटिफिक चीज़ बताई डॉक्टर को, साइंटिफिक चीज़ अम्मी ने बता दी। अब अम्मी सर्दियों में भी ठंडा पानी पिला गला खराब हो, नजला हो तो ठंडा पानी, अब मैं नॉर्मल पानी देती हूँ, मतलब थोड़ा और मेंथोल ऐड करके, और आवाज़ एंटर हुए और पानी का ग्लास, तो वो मुझे फील होता है कि वो जो उनकी वो जो सारी स्ट्रेस और वो चीज़ होती है वो सुकून से बैठ जाते हैं, मुझे भी टाइम मिल जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये टिप जो है ना मैं अपनी मरहूमा की काम करती है। ठंडा पानी मुझे तो इतनी शर्म आए अगर मेरा मियाँ घर है और मैं ठंडा पानी पिला, तो रिकॉर्ड लगाएगा, कहेगा खैरियत हो गया तुम्हें, हो क्या मेरा भी अभी कहता है तुम्हारी तबीयत ठीक है, तबीयत ठीक है नहीं, कहेगा कोई इंडियन फिल्म देखी है,
हमारा तो रिकॉर्ड शुरू हां यही मेरे साथ भी यही है मैं भी कुछ चीज अच्छा कर लूं क्या कह रही हो ये तुम आज क्या चाहिए हां तो बता दो क्या चाहिए बताओ क्या चाहिए अरे फोन भी आ जाएगा हां बेबी क्या हाल है आज क्या चाहिए कोई मतलब है बता दो मुझे क्या चाहिए मक्खन लग रहा है बहुत वही ना हाँ भाई तो ठंडा पानी गिरा में बांध ले गुस्से के तेज लोग ठंडा पानी फौरन अच्छा जी मैं अपना बताऊँ आवाज हद में माएँ क्या सिखाती कुछ माएँ कहती हैं कि दब जाओ दब जाओ दब जाओ मेरे घर में मुझे ये सिखाया था कि अपने लिए आवाज़ उठाओ तो मैं ये मशवरा देती हूँ कि अपने लिए आवाज़ उठानी भी है तो एक हद में उठानी है आप समझ रही हैं बात कि अगर आप बहुत ही हद में उठाएंगे ना तो वो चीज़ें और फ्लेयरअप हो जाएंगी और ख़राब हो जाएंगी और बिगड़ जाएंगी अपने हक के लिए आप खड़े हों आप आवाज़ उठाएँ मगर इतनी उठाएँ कि सामने वाला भी उसको बर्दाश्त कर ले सारा गेम रबाब टाइमिंग का होता है जब वहाँ पे भी गुस्सा है और आपको कोई ऐसी दिल दुखाने वाली बात कह दी है थोड़ा सा सबर अगर आ जाए ना अपनी बात कहें आप अपनी बात जरूर कहें लेकिन जब वहाँ से ठंड प्रोग्राम हो जाए तो मुझे लगता है वक्त आने पर मुझे होता है टाइमिंग का गेम है सारा बेशक साल दो साल दस साल कभी आप मगर आप कह देते हैं मैं बताऊं मदिया बात यही हो रही है ना कि हमने क्या सीखा कि आप कह देते हैं जज्बात में आके कि जी अम्मा ने तो ये सिखाया था कि आवाज उठा लेना कि कुछ ऐसी हो तो आप उठा लेते हैं मगर उसके फिर आपको कॉन्सिक्वेंसेस करने पड़ते हैं तो उस चीज के लिए आप थोड़ा सा अपने अंदर तहम्मुल सांस दरगुजर करके और आप जरूर वो बात कन्वे करें कि नहीं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था ये बात यूं नहीं थी यूं थी बगैर फौरन ही नहीं आप उस बात को उठा दें उछाल दें कि वो चीजें फिर संभल ना पाए तो कभी कभी पेरेंट्स जज्बाती हो जाते हैं और हम उनके साथ मिलकर जज्बाती हो जाते हैं मगर रिश्तों को अगर आपने निभाना है बनाना है तो थोड़ा तहम्मुल से थोड़ा सा इग्नोर करने से ये हम अपने आप को फिर निदा भी और मैं भी और सब ये कहेंगे कि एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि इन चीजों को आपको तरीके से लेट गो करना भी अच्छा और कभी कभार आप कुछ बातें नहीं होती कभी कभार कुछ बातें आप ऐसी कह जाते हैं जो वाकई किसी और का दिल दुखा देती है एग्जैक्टली और आपको अंदाजा नहीं होता आपकी नीयत वो नहीं होती लेकिन दूसरे के दिल पे ऐसे लगती है और मैंने तो इतनी दफा ऐसी बातें कह दी हैं जो मैंने बस कह दी बड़ बोली है ना ज्यादा बोलने की आदत इतनी दफा बोली और उसके बाद जब मुझे जब सब नाराज हुए तो मुझे एहसास हुआ कि या अल्लाह ये मुझे नहीं कहनी चाहिए नादानी में ना कह दिया गलत नादानी में कह जाते कोई मीनिंग नहीं होता बात का नहीं होता अब जज्बाती हो जाते हैं तो हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड है सेम स्टार्ट चल रहे हैं तो हम वैसी कोई चीज बुरी लगती है कहते उसी वक्त कह दो नहीं मैं भी अपने को समझ आ जाए नहीं मैं भी बोल जाता है दिल तो हल्का हो जाता है जिंदगी भारी हो जाती है बहन बहुत जिंदगी बहुत भारी हो जाती है लेकिन घर का माहौल खराब हो जाता है इसी बहुत तकलीफ होती है लेकिन उसके बाद अंदर ही अंदर घुट-घुट के कुछ लोगों को ये भी तो देखा है कि अंदर ही अंदर घुट घुट मैं आपको बताऊं आप घुट घुट के जिएंगी ना एक दिन फटेंगी जरूर एक दिन और डॉक्टर आयशा मेरा ये एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं बहुत दिल की जो होती थी बात कह देती थी मैं कह तो देती थी लेकिन उस वक्त फिर मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बुरी हो जाती थी तो फिर मुझे जब समझ आया एक मैच्योर एज में कि अगर मैंने अपने दिन अच्छे गुजारने हैं और मुझे फजूल की चक 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 नहीं चाहिए बिल्कुल सही कह रही है जिप मुंह पे लगा लो एक चुप तो वो जो हर्ट होती हूँ एक बात कह के दिल का भड़ास निकाल दी और वो जो 10 दिन मैं अपनी जिंदगी की बर्बाद करती हूँ कि या मूड ऑफ वहाँ मूड ऑफ वो मैं बचा लूंगी सिर्फ एक दिन की तकलीफ से आप एक्सपीरियंस ही सीखते हैं और हम आपको अपने एक्सपीरियंस और वो आया मुझे जाके बुढ़ापे में मैच्योरिटी जब हुई वो समझ आया सीखते हैं आप एक्सपीरियंस से आपके सारी चीजें लर्निंग्स होती हैं प्लस मैंने तो अपना जब मैंने काम करना शुरू किया ना और जब मेरा वक्त थोड़ा घर से बाहर निकलना शुरू किया तो तब मुझे बहुत लाइफ में सुकून आया मैंने ये देखा है कि जो खवातीन घर के अंदर हैं जैसे तो वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस में रहती हैं मतलब घर के अंदर रहना टेलीफोन आउटलेट नहीं होती उसके बाद जब मियां आया तो उसका सारा उतर निकाल दिया टेलीफोन पे तुम्हारी माँ ने ये कहा था तुम्हारी बहन ने ये कहा था ये होता है और जो औरत काम कर रही है उसके पास इनकम भी आ रही है वो 10 लोगों से मिलती है उसको बात अच्छा आपको तैयार होके बाहर जाना है आपको थोड़ा एटमोसफेयर चेंज होता है आप 10 लोगों से बात करते हैं उनके मसाइल सुनते हैं अब मेरे पास 20 औरतें आती हैं
वो अपने हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी बता रही हैं, उन्होंने बात की, आपके पास पैसे भी आ रहे हैं, चीजों से बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। तो इस चीज ने ना मेरी वो सारी चीज खत्म की, वरना जब तक मैं शुरू के जो मेरे साल थे, जब तक अब्बास पढ़ रहे थे, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे, मैं नहीं काम कर रही थी, परेशान, चिक 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 टेंशन, और वही वाली चीज थी, ओ ते सोंदी रहंदी है, ओ पुत्र तू ते घर नहीं आंदा, ओ ते 12 बजे आ जाती, ओ ते 11 बजे उठी। मेरे साथ भी हुआ कि क्या करती जब मैं मैंने काम छोड़ा हुआ तो घर में यही परेशानियां सब होती थी। मुझे कोई ऐसा काम चाहिए था कि घर भी चलता रहे, मतलब मैं घर को भी टाइम दे सकूं और अपनी पॉकेट मनी भी थोड़ी बहुत निकल। सुबह का काम मुझे सूट किया कि बच्चे स्कूल गए हुए, और उसके बाद जब, क्योंकि मेरे हस्बैंड की ट्रेनिंग ऐसी है कि वो घर का कोई काम की जिम्मेदारी नहीं लेता, मेरी मदर इन लॉ टैंकर वाले को तक भी खुद लेकर आते हैं, तो उसकी ट्रेनिंग ऐसी है, तो अगर आप घर का नल टूटा हुआ है, लकड़ी कुछ है, तो किसने करना है, वो मैंने करना है, क्योंकि मैंने अपनी अम्मी को करते हुए देखा, अपनी सास को करते हुए देखा, और ऑटोमेटिकली ये मुझे लगा कि आई तो घर के मर्द काम कराते हैं, लेकिन ये क्योंकि ट्रेनिंग ही नहीं हुई भी, तो घर को मुझे ही देखना पड़ेगा। तो मुझे कोई ऐसा काम चाहिए कि सुबह मैं फ्री भी हो जाऊं, घर भी संभाल लूं और काम भी, और ये मुझे करना है अपने लिए, अपने लिए। मेरे मियां ने कहा भाई मैं दाल रोटी खिला सकता हूं और मैं काम कर रहा हूं, मैंने कहा नहीं, मुझे ये चिक 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 नहीं चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, मदर इन लॉ जो थी वो मेरी बहुत डोमिनेटिंग, मतलब उनको हर चीज अपनी मर्जी की चाहिए थी, वो मुझे कंट्रोल देने को तैयार नहीं थी। ठीक है, वो शुरू में तो यही होता है, घर की मालकन वो एकदम बहू को कैसे वो कर देगी। फिर मैंने सोचा कि यार मुझे कुछ करना है, ठीक है, तो मैंने थोड़े टाइम के लिए काम करना शुरू कर दिया। अब उससे क्या हुआ, खुद आप ड्राइव करके जा रहे हैं, पैसे भी आने स्टार्ट हो रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, तो आपका एकदम माहौल चेंज होना स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। फिर आपको ये छोटे छोटे लेकिन मैं, हम लोग किसी को भड़का नहीं रहे कि जॉब करो निकलो, नहीं भड़का नहीं रहे, आप वो करें जो आपका, जिससे आपका घर भी खराब ना हो, और आप शॉर्ट कोर्सेस कर सकते हैं, बेकिंग का कोर्स अगर आपके घर में, सॉरी भाई मदिहार बाप मुझे बोलती पढ़ाई करो, पढ़ाई करें, कोई कोर्स कर लें, चैरिटी का काम कर लें, तो हर वक्त मैं इसको कहती हूँ फहीमा अब ये नया कोर्स आया है यार, ये कर लो फहीमा, मैं ये पढ़ रही हूँ तुम ये पढ़ लो। तो मुझे ये होता है कि लड़कियाँ, बेशक शादी हो गई, इसका ये मतलब नहीं है ज़िंदगी ख़त्म हो गई। ससुराल वालों को भी चाहिए कि वो उसको भी उसको एक्सपोजर दें, उसको पढ़ाएं, या लैंग्वेज कोर्स कर लो, कुछ और ना करो, कुछ भी ऑनलाइन कोर्स कर लो, ऑनलाइन का पढ़ना इसलिए भी जरूरी है, आज की जनरेशन में ऑनलाइन इतने कोर्सेज के अलावा भी आप घर बैठे भी बहुत सारे काम कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आपके पास है, घर से हो सकते हैं, आपको घर से बाहर ही निकलना है, अगर ऑनलाइन आ रहा है। कहने का मकसद ये है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करो, खाली दिमाग शैतान का घर है। हाँ, और दूसरा ये कि शुरू में क्या हुआ कि दो या तीन दफ़ा ऐसा हुआ जब मैंने अपने घर में बात की कि भाई इस तरीके से होता है, और अम्मा जो हैं जब मैं उनसे कुछ करने को कहती हूँ या कुछ भी बोलती हूँ, अगर टीवी ज़्यादा देख लूँ तो भी वो माइंड करती हैं, अगर मैं कोई घर में कोई चेंजेस करती हूँ, जो उन्होंने डेकोरेशन की बात की, मैंने कुछ चेंजेस की उस पर उन्होंने बहुत माइंड किया कि पुत्र रहते मेरिया चीज़ें ने इनू तुसी नहीं छेड़ो। ये भी हुआ किचन में कुछ करने की कोशिश की, कुछ बेकिंग टाइप की चीज़, उस पर भी माइंड किया, वो भी मैं चुप करके बैठ गई। फिर जब मैंने अब्बास से डिस्कस किया, उन्होंने कहा मेरी अम्मी है यार, मैं क्या कर सकता हूँ, अब तुम लोगों को ही सेटल करना है, वो भी मैं चुप करके बैठ गई। मेरे घर वालों ने कहा उधर की बात इधर नहीं करना, वो उनका अकलमंदी का काम था, ठीक है। और फिर दूसरी बात ये होती है कि जब आपकी लव मैरिज होती है ना, तो आपकी सपोर्ट नहीं होती घर से, एग्जैक्टली। यू सी दिस इज सो वाइज, इफ यू आर इनटू एन अरेंज मैरिज ना, तो उसमें ये होता है कि माँ बाप की जिम्मेदारी हो जाती है, व्हेन यू आर इनटू अ लव मैरिज तो उसमें ये होता है कि तुमने खुद ही की है, हमने तो तुम्हें कहा था, यू नो, तो अब तुम दोनों की पसंद की है। बेटा तो सुबह जा रहा है हॉस्पिटल में काम करने, वो इकलौता बेटा है, वो अपनी माँ को कुछ नहीं कर सकता, तो अब तुम समझ से। तो फिर मैंने ये वाइज डिसीजन यही लिया कि मैंने उठाई किताबें, किताबों में लगाया दिल, और क्लिनिक में अपने क्लिनिक का काम फिर मैं यही करती, फिर मैं क्या करती, क्योंकि वो इकलौता बेटा, आपकी क्या, आपकी पहचान,
औरत को एक पहचान मिल जाए कि वो किसकी बेटी है या वो किसकी बीवी है या वो किसकी बहन है, एक पहचान मिलना ना जरूरी है, बहुत जरूरी है, ऐसा सुकून देती है दिल को, क्योंकि रिश्ते भी आपको लेके चलने हैं, फिर औरत है उसने माँ भी बनना है, उसके छोटे छोटे बच्चे भी होंगे, सास भी है, बेटा भी है, जनरेशन घर बनाना है, जनरेशन जो है ना वो औरत चलाती है, और ये मसले और उसको एक पहचान अगर खानदान में भी मिल जाए ना कि यार फलानी भाभी पाए बहुत अच्छे बना, ये भी उसके लिए बहुत है, बहुत बहुत, अगर वो आपको पका के खिला रही है और वो अच्छा खाना पकाती है और खानदान में एक एप्रिसिएशन है, उसकी बहू क्या जादू है उसके हाथ में, मतलब ये भी एक पहचान है ना, बिल्कुल पहचान है, वो अगर आपने शॉपिंग करनी है तो फलानी की बेटी के साथ जाओ यार वो क्या शॉपिंग कराती है, ये भी एक पहचान है, बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपने भाई ड्राइविंग खुद बनाएंगे ना, वो ड्राइविंग है या आपको पढ़ाना है अपने बच्चों को या उसके पास जाओ मशवरे लेने उसके पास जाओ, वो बहुत समझदार लड़की है, सो ये आपकी खानदान में पहचान बनती है, पहचान बनती है, और माँ बाप बच्ची को पढ़ा सकते हैं लिखा सकते हैं, इज्जत से उसकी शादी कर देंगे, समझा देंगे, तालीम दे देंगे, बच्चियों की तालीम इसीलिए ज़रूरी है, और इसीलिए खाना पकाना गाड़ी चलाना ये हुनर बच्चियों के जाना चाहिए, लेकिन आगे से बच्ची को किस तरीके से अपना घर लेके चलना है, माँ की सीख, कहते हैं ना कि आजकल आपको रिश्ता करना है तो उसकी माँ को देखो, बड़े बूढ़े तो ये भी कहते हैं नानी को भी देखो, भाई मैंने एक घर में ये बात मतलब मैंने एक घर की कहानी है, मैंने एक लड़की को देखा था कि उसको ड्राइविंग भी आती थी, उसको कुकिंग वुकिंग सब आती थी, जब वो घर गई है शादी होके और वो अपनी सास को ड्राइव कर करके लेके जाती थी जगहों पर ये वो, तो ऑटोमेटिकली उनका रिश्ता एक इतना अच्छा बन गया क्योंकि वो एक दूसरे की ज़रूरत बन गई थी, वो भी बिजी रहती थी लड़की और वो अपनी सास को ले लेके जा रही, चलें डॉक्टर के पास मैं आपको लेके चलती हूँ या खाना मैं बना देती हूँ, तो उनका एक जब बर्डन शेयर हुआ सो वो सास कहीं भी बैठकर अपनी बहू की तारीफ के बगैर रहती नहीं थी कि इसने तो मुझे अपना मतलब गर्विदा कर लिया और मुझे अपाहिज कर दिया, मैं इसके बगैर चल ही नहीं सकती, तो मैंने बहुत सारे घरों में ऐसा भी देखा कि वो जो हुनर था उसका स्किल था वो काम आया, और बहुत सारी जगहों पे सासें भी काम करती हैं, बहुत बेचारी करती हैं, मेरे लिए बहुत हेल्प करती है, मैं इतना लंबा जॉइंट फैमिली सिस्टम में तो रही नहीं, पर ये जो लास्ट 2-3 साल मैंने उनके साथ गुजारे तो बहुत अच्छे साल थे, ऐसा नहीं था कि कुछ उन्होंने मुझे प्रेशराइज किया, मतलब अब उनको पता था कि इसको शौक है घर सजाने का, तो उन्होंने कहा आ जाओ बेटा मेरा घर सेट करो, और जो मैं करती थी कहती थी बहुत अच्छा किया, अच्छा ये मैंने पेंटिंग्स बनाई हैं आओ मिलके लगाते हैं, फिर हम लोग शाम को लूडो खेल रहे हैं, चाय पी रहे हैं, सीक्वेंस खेल रहे हैं, हरा रहे हैं एक दूसरे को, तो ये चीजें जो है ना ये सारी बॉन्डिंग मुझे टाइम देना पड़ता है रिश्तों पे काम, रातों रात कुछ आप शादी करके गए और वक्त बदलेगा, ऐसा नहीं है वक्त बदलता है, ये जो आपको लगता है कितने बुरे दिन है कैसा मेरा दिन गुजर के ये तो सही लगता है, मुझे याद है मैं बहुत रोती थी, बड़ी परेशान होती थी उस वक्त के अल्लाह मियां ये मेरी कैसे जिंदगी गुजरेगी और ये बिल्कुल डिफरेंट माहौल है और कैसे होगा, फिर अम्मी की सीख छोटी-छोटी चीजें तो माँ-बाप से आप सीख के जाते हैं ना, सारी चीज तो बचपन से लेके आपकी शादी तक तो उन्हीं की सीख है, उन्हीं की सीख, उन्हें आप उसको आगे और ज्यादा उसको कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने भी लगते हैं, तो अगर आपकी बहनों की जिंदगी आप देख रहे हैं कि उनकी जिंदगी तो बड़ी परफेक्ट गुजरी है, हमारी क्यों नहीं होता है, तो ये लड़कियां खुद अपने आप को कंपेयर ना करें, अच्छा कुछ फ्रेंड्स से ना कंपेयर करें, अच्छा अगर वो खुश है तो मेरे साथ भी ऐसे ही होगा, वाओ मेरी वो फ्रेंड तो बड़े मतलब वो तो मेरी क्लास फेलो थी, मेरी मेरे साथ डॉक्टर बनी और वो तो क्या कर रही है, वो अमेरिका में ये कर रही है, मेरी वो बहन ये कर रही है, आप उसका नसीब उसके साथ और नसीब से ज्यादा वक्त से पहले नहीं होगा, ये कंपैरिजन तो बहुत ज्यादा है, वो है बहू और नंद का, मतलब भाभी और नंद का, इनका कंपैरिजन यूजुअली लोग बहुत करते हैं कि मेरी नंद अगर अच्छे हालात में है तो भाभी जो है वो सड़ जाएगी, कभी कभार भाभी अच्छे हालात वाले भी करते हैं उसको आग लगाने के लिए, ये मैंने नोट किया, भाभी अच्छे हालात में नंद के ससुराल वाले उसके जुमले मारेंगे अपनी भाभी को तो देखो उनसे ही कुछ सीख लो, ऑटोमेटिकली नंद के दिल में जेलेसी डाल रहे होते हैं, ये दिस इज रॉन्ग, कॉम्पिटिशन बना देते हैं ना, देखो फलाना अगर तुम्हारी नंद ये कर सकती है तो तुम भी ये कर सकती हो या तुम्हारी भाभी ये कर सकती है तो तुम, और कभी कभार बहू के ऊपर ताने मारते हैं, तुम देखो मेरी बेटी भी तो है वो भी तो अपने ससुराल में ऐसे करती है तुम नहीं कर सकती, यानी कि आप भाभी को नन से जेलस कर रहे होते हैं, कंपैरिजन कर कंपैरिजन ना बनाएं, बिल्कुल
क्योंकि नंद और भाभी की भी तो एक दोस्ती होती है ना, आप उसको भी जेपर्टाइज कर दो उस चक्कर बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटा सा वक्फा, फिर पेटी खोलेंगे और आपको बताएंगे बहुत सारे मशवरे सिर्फ माँ बेटी के लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम जो जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं ज़िंदगी के, उसी से आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, मैके वाले बन के बता रहे हैं। सो वो जो पेटी है उसमें वो चीज़ें जो अम्मी ज़रूरत की जमा करती हैं, उनसे ज़्यादा ये चीज़ें ज़रूरी हैं जो हम आपको बता रहे हैं और इंशाल्लाह आपके ज़रूर काम आएंगी। अब किसकी बारी है? मेरी बारी। फ़हीमा की। फ़हीमा की बारी। गिफ्ट्स तोहफे। अम्मी कहती थी कि एक दूसरे को तोहफे देने से मोहब्बत बढ़ती है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत हेल्प करती है चीज़। अगर कोई रंजिशें हैं या जो भी है, आप किसी के लिए तोहफा ले आए या किसी को घर में ससुराल में किसी को तोहफा दे दे, फौरन कहते हैं ना कि गुंजाइश हो जाती है। सो बढ़ती है, वाकई बढ़ती है, बेशक बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है। कोई लॉन का जोड़ा दे दिया सास को या कोई चीज उनको पसंद है, मैंने कहा कि आपकी ये बहुत प्यारी चीज है, आपका ये शॉल बहुत प्यारा है, आपका ये ड्रेस बहुत प्यारा है, मैं कहती थी ले लो, ये ब्रेसलेट अच्छा ले लो। मतलब मेरी आदत थी कि मैं दे देती थी, कोई मसला नहीं कि देना चाहिए। तो देने से कभी चीज कम नहीं होती है, बल्कि आप जितना देते हैं, जिस चीज की फरावानी करते हैं ना अपनी लाइफ में, उतनी वो चीज आनी शुरू हो जाती है। तो तोहफे दें, मोहब्बत बढ़ती है, और इज्जत दें वो भी बढ़ती है। जो चीज़ देंगे वो चीज़ आपके पास आएगी, वापस आएगी। चाहे मोहब्बत है, इज्जत है, तोहफा है, एनीथिंग, पैसा है। कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट होता है पैसा बचा बचा के रखें, नहीं, पैसा भी है ही यही, ये तजारत है कि आप, ये हजरत अली का कॉल है कि जितना देंगे उतना आएगा, ये तजारत है। तो हर चीज़ में मैं कहती हूँ अम्मी ने यही सिखाया, बताया अम्मी को, ये सब कुछ करते हुए देखा मैंने कि अम्मी कुछ नहीं देखती थी कि ये मेरा जोड़ा है बहुत कीमती है, अम्मी कहती नहीं दे दो। अपनी बहन को हमने अम्मी के लिए अच्छा सा जोड़ा बनाया, अम्मी ये आपका जोड़ा आपने पहनना है, अम्मी ने नहीं पहनना, अम्मी ने अपनी बहन को देना है। कहती अम्मी आपका इतना अच्छा जोड़ा बनाया आप क्यों दे रही हैं? कहती नहीं दे दो, दे दो वो पहनेगी, मेरी बहन पहनेगी। तो वो अब वही चीज़ मेरे अंदर भी है कि मुझे नहीं होता, मैं कहती हूँ किसी को चीज़ पसंद है ले लो, ले लो, आई डोंट केयर। तो मेरे को उतना ही ज्यादा आ जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ब्लेस्ड हूँ कि हर चीज आपके पास आ जाती है। तो वो वही चीजें अम्मी से सीखी हैं और अल्लाह पर भरोसा। और खास तौर पे रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए ये माने आप या ना माने, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। गिफ्ट्स बहुत मायने करती हैं, बहुत ज्यादा। ससुराल में और अम्मी हमेशा ये समझाती थी, और जो आपकी चॉइस हो ना, जो आपको पसंद है वो देना चाहिए, ये नहीं कि कोई रखी हुई चीज। और जो भी चीज नहीं, अम्मी का हमेशा ये कॉन्सेप्ट होता था कि बेटा जो भी कर रही हो, इज्जत दे रही हो, मोहब्बत दे रही हो, लेकिन साथ साथ ना अपना बेस्ट तो चल रहा है। दूसरा अम्मी कहती थी अपना बेस्ट हो और अल्लाह पर भरोसा रखो, छोड़ दो अल्लाह पे, ज़्यादा बहस नहीं करो किसी के साथ, एक दफ़ा बोल दो दफ़ा बोल दो, उस जगह से चली जाओ। अल्लाह पर तवक्कल, भरोसा अपना, गिव योर बेस्ट, गिव योर 100%, और फिर छोड़ दो, तवक्कल अल्लाह ताला पे। चलो अब तुम बताओ। सेविंग्स सेविंग्स बहुत इम्पोर्टेंट है शादी के लिए, क्योंकि अम्मी अब्बू ने मुझे यही सिखाया था पहले भी, शादी से पहले भी अम्मी बहुत करती थी कि सेविंग्स करो, इतना खर्चा नहीं करो, और कोई एसेट बना लो, कोई ऐसी चीज़ बना लो जो आगे फ्यूचर में तुम्हारे काम आए। तो जब शादी का टाइम था तो अम्मी ने तब भी यही कहा कि अगर तुम नहीं भी कमा रही तो इसका ये मतलब नहीं है कि मियाँ के पैसे तुम खामखा चीज़ों पे उड़ाना शुरू कर दो, कि ये चीज़ चाहिए, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है बस उस पर लगाओ, बाकी सेव करो, और कोई ऐसी चीज़ दोनों मियाँ बीवी मिलकर बनाओ जो फ्यूचर में तुम लोगों के काम आए। तो वो सेविंग्स करना जो है ना, मुझे लगता है वो काफ़ी काम आता है, कभी कभी काम भी आता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा ख़र्चा फजूल कर रहे होते हैं, पता नहीं क्यों सास को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि मेरे बेटे के इतने पैसे खर्च कर रहा है, रोज़ बाहर खाना जा खाने जा अच्छा, हालांकि वो आपके अपने पैसे भी हों, बिलफर्ज आप खुद भी अर्न कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उनको ये लगता है मेरे पुत्र दे सारे पैसे रोज दिल तो आई मतलब क्यूट बहुत दुख होता है। क्योंकि पहले की अम्मियां, मुझे लगता है ना कि पहले की अम्मियां बहुत सादा होती थी, अपने पर तो वो कुछ खर्च करती नहीं थी, अपने लिए लिपस्टिक तक तो वो लेती ही नहीं थी। तो अब जब आज की लड़कियां खर्च कर रही होती है,
तो वो कहती है हमने तो नहीं किया, हमने तो हमने तो बचा बचा ये कपड़े भी लेती है, खाने भी खाने जाती है, तो वो हमारा लाइफ स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। मगर आई थिंक हम लोगों को वही वक्त ने भी चेंज कर दिया ना, असल में वक्त ने भी हमें बड़ा चेंज माइंड भी चेंज है ना आजकल के खर्ची। मतलब आपके पास अब ये चीज है, आपने छह छह चीजें ले ली, फजूल खर्ची जो बहुत सारी औरतें होर्डर्स हैं, शॉपहोलिक हैं, हमारे मजहब में भी है कि है लेकिन ये है उसमें से एक, मैं जानती हूँ इसको, सो हैप्पी अबाउट इट। ये है, ये करती है, ये भी करती है, और जितनी मेरी बाकी दोस्त है वो भी करती है, इनकी बेटियां और मैं, मुझे ये होता है यार बेटियां नहीं, जब ये चीज है तो क्या करना है, बार बार खरीद खरीद के खरीद खरीद के यूज करो, मत लो यूज कर ना। तो मैं जब मेरा बेटा छोटा था और मैं वहां से साड़ियां उठा के लेकर आ गई कि मैंने बेटे की शादी पे ना ये रख ली है साड़ियां, तुम सोचो मतलब अभी तो इतना छोटा था जब मैं इंडिया गई हूँ। तो तुम इंडिया कितनी दफा गई मुझे बताओ? मैं कोई गई हूँ 4 दफा, क्योंकि ये सोचा होगा ना तुमने कि भाई पता नहीं बाद में जाऊंगी या नहीं जाऊंगी। मैं दिल्ली भी गई, मैं बॉम्बे भी गई, वहां की साड़ियां मैंने पता नहीं, ये शायद मेरा आखिरी ट्रिप है इंडिया, आना हो ना हो और मैं उठा उठा के वहां से लेंगे। ये तो अच्छा किया इंडिया से साड़ियां लेके, देखो मैं नहीं जा पाई उसके बाद मैं लेंगे और मैंने साड़ियां के जी, अभी तो बच्चा इतना छोटा है और मैंने सूटकेस में उसको पैक कर इंडिया गया, तो मैंने उससे पूरी अटैची भर के साड़ियां मंगा ली और साड़ियां अटैची में ही रखी हुई है, तो इतनी साड़ियां कौन पहनेगा। मेरी साड़ियां सेट से चोरी हुई, हाय अल्लाह, मेरा इंडिया का बांग्लादेश का कलेक्शन, ऐसे भी होता है, ऐसे होता है, सेट से चोरी हो गया। चोरी होती है, चीजें होती है, क्या कितनी जिम्मेदारी लेगी, इतनी महंगी महंगी साड़ियां प्रोडक्शन कहां से भरेगी? नहीं भरने की बात नहीं, मतलब किसने चोरी करी, कोई वहीं का कोई लोग तरीके से चोरी कर ले तो आपको पता भी नहीं चलता, ताला वाला कुछ नहीं लगाया था, वो तो प्रोडक्शन सेट से चोरी, आप जो छोड़ के जाते हैं सेट से चोरी हो जाती है, ड्रेसेस पूरे पूरे मेरे तो हर दफा चोरी होती है, मेरी भी या जल जाएंगे या चोरी हो जाएंगे, इससे बेहतर है जो तुम्हारा नुकसान हो रहा है कोई एक लड़की या लड़का रख लो साथ, रोज लाया जाए, बिल्कुल बिल्कुल करते हैं लोग ऐसे, ऐसे करते हैं एक वो तनख्वाह पे रख लो बहन साड़ियाँ। जो पहले जो मेरी उस टाइम पे चोरी हुई थी ना, तब तो मेरे साथ एक लड़की परमानेंट हो गई थी, हर चीज वो देखती थी, उसके बाद क्योंकि बस अब तो गया, अब जो था कलेक्शन मशवरा, हाँ कितने पैसे दिए, क्या मतलब कितने पैसे दिए का ये था कि ये अम्मी का ये था कि देखो तुम्हें एक हस्बैंड आपको एक पॉकेट मनी देते हैं ना मंथली, वो तो मेरी पॉकेट मनी हो गई, उसके बाद उसका अपनी फैमिली के साथ क्या लेन देन है, वो अपनी अम्मी को कितने देते हैं, घर में कितने देते हैं, उसके अंदर डोंट पोक योर नोज़, बहुत अच्छा मशवरा है, ये अम्मी की टिप थी कि कभी उसके अंदर नहीं पड़ना कि वो अपनी अम्मी को क्या दे रहे हैं, अच्छा फैमिली में शादियों का बहुत वो है क्योंकि ये पंजाबी हैं, हम भी पंजाबी हैं, तो वो आए दिन कोई ना कोई पंजाब में शादियों का और वो पैसे भिजवाने सारी चीज़ें, कितना गया क्या किया, प्लीज़ उसके चक्रों में नहीं पड़ना। और वो आज तक मेरी शादी को 25 ईयर्स हो गए, ना मैंने पूछा है ना मैं करती हूँ, क्योंकि उससे बहुत चीज़ें ख़राब होती हैं कि भाई अब घर में कोई चीज़ चाहिए है, ठीक है किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो वो लोग कहते हैं कि भाई कोई शादी है या कुछ है, या हस्बैंड ने कहा कि नहीं वो कज़न की शादी है फलाना है, खामोशी अख्तियार करो, आपको तो पूरा पड़ रहा है ना भाई, आपको तो आपका मिल रहा है ना, आपका तो काम पूरा हो रहा है, तो फिर आप दखल अंदाजी ना करें, इससे तो झगड़े शुरू होते हैं कि अभी शादी होके आई है और मियां ने हाथ घसी, हाँ इससे प्रॉब्लम तब होनी चाहिए कि आपका खर्चा रोक के और दूसरा खर्चा पूरा हो रहा हो, तो फिर आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए, यार मेरे खर्चा रोक रहा है, मेरे पैसे नहीं दे रहा है और फिर ये दूसरी जगह पैसे दे रहा है, आपका घर में भर रहा हो रहा है, आपके हकूक पूरे हो रहे हैं, आपकी चीजें पूरी हो रही है, आपको टाइम पे सब कुछ मिल रहा है, उसके बाद अपनी फैमिली के लिए अगर वो कुछ कर रहा है, हम लोगों का ये होता है कि बस जाते ही हम चाहते हैं कि हम मालिक बन जाएं, उसके सब रिश्ते खत्म हो जाएं, माँ बहन फैमिली, ऐसे नहीं हो सकता। अगर हम अपने ऊपर सोचें हमारी भी औलाद है, कल उसके और रिश्ते होंगे और उसके बाद वो सब कुछ हमारे साथ आने वाली कहे के खत्म हो जाए, कितनी तकलीफ होगी, लेकिन हम ये रियलाइज नहीं करते। ये चीज रियलाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट है, बैलेंस के साथ आप चलें, उसके घर वालों को अपना बनाए ना,
आप क्यों उसे तड़का ले रहे हैं, पूरे घर वाले इस वक्त बात हो रही है कि अगर मियां, इस वक्त बात ये हो रही है कि अगर मियां अपने पैसे अपनी बहन या माँ या भाई किसी पे भी खर्च कर रहा है, किसी रिश्तेदार पे भी कर रहा है, तो उस पर आपका लेना देना नहीं होना चाहिए। क्या आप उसको रोक टोक करें क्यों दिए क्या क्यों भाई, ये तो हमारे बच्चों का हक है, जमा करो, फलाना है ये वो, जो आपके बच्चों के नसीब का होगा ना वो मिलके रहेगा। एक छोटी सी चीज सोचें, आपका बच्चा सबका बच्चा किस तरीके से वो पैदा हुआ, उसको पढ़ाया लिखाया, जो भी उसको इंजीनियर डॉक्टर फलाना बनाया, अपना पेट काट काट के भाई, काट के ट्यूशंस गाड़ियां लिखाना, किस तरह उसके बाद जॉब हुई, शादी, और एक बच्ची हम किसी की लेके आते हैं और आते ही वो बच्ची कह दे कि आज से तुम्हारा हर रिश्ता नाता खत्म, कितनी तकलीफ होती है। उसके बाद अगर वो 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए अपनी फैमिली को दे, मतलब सोच के तकलीफ होती है कि मुझ आने वाली कल कहे कि तुम्हें अपनी अम्मी को कुछ नहीं कहना, जब तुम्हारी अम्मी के पास या अब्बा के पास रिटायर हो गए नहीं है और उनको कुछ अफोर्ड करेगा ना, वही तो करेगा और कौन अफोर्ड, और हमने ही उसको सब कुछ बनाया, बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए, ये ना इंसाफ, दिस इज ना इंसाफ, बिल्कुल। हाँ भाई रबाब, नानी की एक नसीहत और अम्मी की भी कि कपड़े शेयर अपने नहीं करने, पहने हुए ना, किसी के पहने हुए कपड़े जैसे दोस्तों के या कज़न के या कोई चीज़ ना, अपने कपड़े देने हैं और अगर देने हैं तो फिर लेने नहीं है वापस, और ना उनसे मांग के पहने। तुम्हारा तो प्रोफेशन मॉडलिंग, सोचो, अरे बाप रे सोचो, ये तो बाद में हुआ मगर ये पहले से घुट्टी पर। अब मेरा तो काम ही है कि डिजाइनर से कपड़े पहने उनको करने, और ये मेरा तो काम ही यही था, मगर वो कहते थे कि अपने जो तुम्हारे जाती कपड़े हैं जो पहनने के होते हैं वो नहीं, तो वो मैंने बड़ा ससुराल में जादू होते हैं पता नहीं उनका यही था नहीं, और बीमारियां वो कहती हैं कि बीमारियां होती हैं सबके अपने जरासीम बॉडी के एक अलग वो होते हैं, तो वो आप ना अपने कपड़े दें ना उनके कपड़े आप पहने। तो जब मैंने मॉडलिंग जब स्टार्ट करी ना तो वो एक दिमाग में वो चीज़ बैठी हुई थी, वो मुझे बड़ा एक दिमागी तौर पे वो एक चीज़ हुआ कि हाय ये कपड़े किसी ने तो नहीं पहने हुए और ये मैं पहन रही हूँ और मैं उसके क्या होगा इम्पैक्ट, मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, मुझे कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा। तो फिर मैंने ससुराल में आके ये चीज़ फेस करी, बट मैंने इसमें बड़ा स्टेप लिया कि वहाँ पर कि जी भाभी अपना ये जोड़ा दे दें, भाभी अपना ये चीज़ दे दें, तो मैंने उनको फिर बड़ा फेस भी करा कि मैंने मना किया कि ना मैं देती हूँ और ना मैं लेती हूँ। थोड़ी देर के लिए बुरा बिल्कुल लगा होगा उन लोगों को कि वो मांगते थे कि हमें ये जोड़ा चाहिए, हमें फलाना आपका जोड़ा चाहिए, ढिमकाना जोड़ा चाहिए था, तो और मेरी सास में आदत थी कि वो दे दिया करती थी कि अच्छा वो नेबर मांग रहा है तो उसको दे दो, नीचे वाली आई है उसको दे दो, तो मैंने ये कहा कि नहीं मैं अपने कपड़े नहीं दूंगी किसी को पहनने के लिए और ना मैं कभी मांगूंगी। अम्मी कहती थी नहीं है बेटा पहनने के लिए औकात नहीं है, नहीं जाओ, नहीं मांग के पहन के कहीं नहीं जाना तुम, कि अगर तुम्हारे पास कपड़े नहीं है तो नहीं जाना, मगर कभी किसी से मांग के कपड़े नहीं पहनने। बहुत एक सर्टेन क्लास में तो बड़ी आदत देखी गई है कि दूसरे के कपड़े मांग के पहनते हैं, और मैंने फेस किया ये सब पहनते हैं। मैं हम फ्रेंड्स आपस में बहुत करते हैं ऐसे। अच्छा हम लोग सब आपस में एक दूसरे के पहनते हैं। हाँ, भी पहनते हैं। कितना पहनते हैं? बहुत पहनते हैं। नहीं मगर ये नहीं तो बस बेटी शेयर करती है और कोई भी नहीं, हम लोग तो सब फ्रेंड्स आपस में या फैमिली में किसी दोस्त से, हम सब एक दोस्त से, ऐसी नहीं थी कि कोई मुझे कपड़े दे और हम मेरी जिस तरह की दोस्त मेरे भी कोई नहीं था, हमारा वो माहौल नहीं था कि कपड़े एक दूसरे से कहने के बेटा देना है ना, बहने थी शायद तो हम लोग की शेयरिंग बहुत ज्यादा। अच्छा बहने होंगी, चारों बहनें तो हम भी, लेकिन हम सबके साथ एक अलग, मुझे नहीं, लेकिन एक दफा बचपन में हम भी मांगा कि यार वो तुम्हारी बहने पठान वाला जोड़ा है वो तुम्हारे ना, तो मुझे ना अपना स्कूल में पहनना है तो तुम अपना वो जोड़ा दोगी स्कूल में, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे मांगा तो अम्मी से तो इतनी डर कि मैं जोड़ा कैसे दूं, और मेरी बेस्ट फ्रेंड मैंने जोड़ा तो दूंगी बैग में छुपा के लपेट के और उसको जाके मैंने दे दिया कि पता ना चले कि ना मेरा जोड़ा गया है। अम्मी को किसी तरीके से पता चल गया कि जोड़ा चला गया है, तो अम्मी ने उसको वो जोड़ा दे दिया, मेरा बच्चा तुम भी मेरा बच्चा हो, अम्मी ने वो मुझे जोड़ा पहनने नहीं दिया। और मेरी तो हालत जब आप छोटे होते हैं हाँ। कि हाँ, मेरा जोड़ा चला गया अब तो मैं जोड़ा पहन नहीं। अच्छा एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज, ये तो सारी छोटी छोटी बातें हो रही, एक बहुत बड़ी बात ये जो मैंने एनालाइज की एक सर्टन उस टाइम पर कि हमारे यहाँ ना ये बहुत चीज होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो मेरे दिमाग में दूसरे लोग डालेंगे तुम्हारे ऊपर जादू टोना कराया हाँ, exactly. और
आपके पास कोई सबूत नहीं, लेकिन आप वो लोग जो आपको लगता है ओ अच्छा हाँ इन्होंने मेरे ऊपर जादू टोना कराया, आप दिल से उनको पसंद करने नहीं लगते फिर आपको बुरे वहम डाल देते हैं, डालते हैं। हम प्लीज मैं सिर्फ यही कहूंगी कि जो जादू टोने करने वाले लोग होते हैं उनको देखा है आपने कैसे होते हैं, अगर उनके जादू टोने से चीजें हो सकती तो वो अपनी जिंदगी ना बेहतर कर लेते, गंदी जगहों पर बैठे होते हैं, गंदे कमरों में, ऐसे गंदे हालों में, गुर्बत में जिंदगी गुजार रहे होते हैं, इतने मैले कुचैले होते हैं, तो वो अपनी जिंदगी ना बना लेते, बिल्कुल। तो प्लीज ये जो सासों के दिमाग में उनकी जाहिल दोस्तें डालती हैं, नंदों के दिमाग में, बहुओं के दिमाग में जादू टोना हुआ है, मगर जादू टोना तो बरहक है ना, जो बरहक है, लेकिन आप देखें बहुत सारी फैमिलीज में इस तरह की वहम डाल दिए गए होते हैं, नहीं भी होता तो आपके झगड़े कराए जाते हैं इस तरह, और ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए जादू टोना बढ़ा के अल्लाह की मर्जी के बगैर, यार आप नमाजें पढ़ें, आप नमाजें पढ़ें, वजू करते रहें, आप सब चीजों से बचे रहेंगे, मगर ऐसे जाने अनजाने किसी पे वहम और शकना, और ये इल्जाम तराशी होनी चाहिए कि अल्लाह की मर्जी के बगैर आप को कोई चीज नुकसान पहुंचा ही नहीं सकती, नहीं हो सकता, ये मेन कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ये वहमात के मुझे ये हो जाएगा, मुझे वो हो जाएगा, सब छोड़ दें, अस्तगफार पढ़ें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। बहुत सारी बहुएं ऐसी हैं जो अपने घर बनाने के लिए कितनी मिन्नतें कर रही होती है सास उसकी, लेकिन सास के दिमाग में क्योंकि बिठा दिया किसी ने वहम, तुम्हारी बहू तो जादू टोने वाली है, उसकी अम्मी तो ऐसी है, उसकी इसकी नजर खराब है, उनकी कोई क्वालिटी नजर नहीं आती बहू की, वाइस वर्सा ऐसे ही होता है कि बहू के साथ सास कितनी भी अच्छी चले, अगर उसके मियाँ की और उसकी लड़ाई होगी तो बस उसको यही होगा, जादू कराया, उसके बच्चे नहीं हो रहे, जादू कराया। तो ये जो वहम है ना, इसका कोई इलाज नहीं, कहते ना हकीम लुकमान के पास भी वहम का इलाज नहीं है, सो अपने अगर बर्बादियां मचानी है तो दूसरों की बातों में आए, अपनी जिंदगी को किसी की बात करें। में ना आए, अल्लाह पे भरोसा, अल्लाह पे भरोसा रखे, हाँ ये चीज हो रही है, ये चीज प्रूफ भी छोड़ दे, अल्लाह ने हमें कुरान क्यों दिया है, इनफैक्ट का कुछ नहीं होता, जो घर में काम करने वाली मासियां होती है ना वही बहू और सास के कान भर देती है, आपकी बहू ने आपकी सास ने जादू कराया, इन्हीं का सारा रोल है, चोरियां कराना, सब कुछ कराना, इन्हीं का रोल, वो सब खेल रही होती है, खेलती है घर में, और हम कह रहे होते पैसे ऐंठती है हमारे साथ, पैसे ले ले हमसे, तो ये अल्लाह पे भरोसा नहीं है ना जिन लोगों का, वो ये सारा ईमान की कमजोरी, ईमान की कमजोरी है। हाँ। सारी तो किसकी बारी है, मेरी? अब आपकी बारी या तुम्हारी? नहीं हमारी बारी, आपकी बारी। अच्छा ये वाले से हम टॉपिक कर रहे हैं, सबर, समझदारी, कामनेस, तो अम्मी हमेशा ये कहती थी, ये तो बात हो गई हमारी सबर वाली, तो हमने कोई और बात बताओ, नमाज की पाबंदी कर लें, ये है नमाज की पाबंदी, आप बचे रहेंगे जाहिर है सब चीजों से। और भी एक आध बात शेयर करो, जैसे अम्मी कहती थी हमेशा कि अब्बू बहुत गुस्से वाले थे हमारे, बहुत ज्यादा गुस्से वाले थे, तो मैं कहती थी अम्मी आपने कैसे टाइम गुजारा, कैसे इनको हैंडल किया, तो मैं कहती थी जब मैं रोटी बनाती थी ना, रोटी बनाते थे तीन दफा मैं फुल पड़ती रहती थी, और वो रोटी पे मैं अपने आपके अब्बा को खिलाती। एक और वो या वदूदो, या वदूदो, मेरी मदर इन लॉ ने बताया था, मेरा हस्बैंड बहुत गुस्से वाले, तो मेरी मदर इन लॉ कहती थी उसको पानी पिलाओ तो या वदूदो, उसके इर्द गिर्द खड़े तो या वदूदो पढ़ते रहो। तो मेरा हस्बैंड भी इतना गुस्से वाला, मैं तो बस विर्त करती रहती थी हर बार, वो काम किया वो, अब मैं गुस्से वाली हो गई अपने ऊपर भी पढ़ के फूको, सीरियसली सीरियसली बहुत काम करता है, नो डाउट, मुझे उन्होंने बहुत अच्छा मशवरा दिया था, और मुझे पता होता था कि अब इस बात पे गुस्सा आने वाला है, तो उस वक्त जब मुझे जवाब देना नहीं आता था तो मैं इसी तस्बीह का वित करती रहती थी, और मुझे पढ़ना पड़ा, ये वाली जो तस्बीह है कहता है आप घर के हर फर्द को कर लें, मतलब बच्चों पे भी, अपने ऊपर भी, या वदूदो तो है ही प्यार वाली, सब में प्यार होता है, जब आपको खुद भी गुस्सा आए ना, शौहर के लिए नहीं सबके लिए ये वित करते। तो अम्मी कहती थी यही, तो मैंने कहा अम्मी हस्बैंड तो मेरा भी बहुत गुस्से वाला है, दूसरे अब्बू अब्बा जैसी नेचर, हाँ, तो कहती थी बेटा तुम रोटी बनाया करो, तो कुल पट्टी रहा करो, नमाज की पाबंदी रखो, इस तरह से यही सब, तो और ये शुरू शुरू में आती है, मैं बताऊँ फर्क पड़ता है, बहुत फर्क, अल्लाह के कलाम से आप है ना जरा डिप्रेशन में हो या घर के माहौल जरा सा, आप नमाज की पाबंदी छोड़ दें और आप यकीन करें कि आप एक वक्त आप पांच वक्त की नमाज, इवन मैंने ऐसे करना शुरू कर दिया था निदा कि जब हम जाते थे कहीं तो मैं कहती थी पहले मंजिल लगा दें फिर हम कहीं जाएंगे, बच्चे का गाना लगाना है पहले गाना सुन, नहीं नहीं मंजिल लगेगी, पूरी मंजिल खत्म होगी फिर हम कहीं जाएंगे, तो फिर सब ऑटो पे चलती थी चीजें कि फसल पहले मंजिल लगाते थे, सबने मंजिल सुननी है, झगड़े नहीं, दुआ पढ़नी है, तो झगड़े नहीं होते। थैंक यू सो मच आप चारों का, कि ये बहुत पर्सनल बातें होती है जो हम आप लोगों से शेयर करते हैं, सही बात है, लेकिन अगर हमारी इन बातें शेयर करने से आपको कोई फायदा पहुंच रहा है
यार मटेरियलिस्टिक चीज़ों से तो फ़ायदा पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन आपका जो दिल का सुकून है, जहन का सुकून है, ये सबसे बड़ी चीज़ है इस दुनिया में। इसी के लिए लोग थेरेपीज करवा रहे हैं आजकल, इसी के लिए लोग इतना खर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल, आप घर बंगला गाड़ी सब कुछ बना लेते हैं, लेकिन जो अंदर दिल की खुशी, वो सुकून, वो आपके अपने जब आपसे वो कहते हैं ना कि आपके अपने आप से खाइफ नहीं होते, नाराज नहीं होते, एक्चुअली सुकून उन्हीं चीज़ों से मिलता है। बिल्कुल। और ये बात अंदाज़ा होगा शायद अब आप इस जवानी की जज्बात में आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन जैसे जैसे आप मैच्योर होंगे आपको लगेगा कि सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए अपने प्यारों की खुशी है कि वो आपसे खुश हैं, आपसे राज़ी हैं कि नहीं। क्या क्यों इतना आप अपनी अम्मियों को समझा रहे होते हैं, आप क्यों इतना फिक्र करें अगर आपसे फलाना नाराज हो गया है। अम्मियाँ डिप्रेशन में हो जाती हैं, तुम्हारे अब्बू बात नहीं करे, तुम्हारी दादी ने ऐसे कह दिया, तो वो हम अपनी माओं को समझा रहे होते थे। बिल्कुल। तो इससे क्यों वो सही खाइफ होती थी, वो सही गिल्ट में होती थी, क्योंकि उनको भी पता है मैच्योर एज के बाद कि अपने प्यारों की खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे साथ है बीएनबी बॉडी एंड बॉडी और उसके साथ हैं यशमा गिल। अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी और मुझे ट्रस्ट करने के लिए कि मैं बीएनबी को यहाँ पे आके आप हमेशा अच्छी सॉल्यूशन लेकर आती हैं और इस दफा आप स्किन और मैं हमेशा ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस लेकर आती हूं। एग्जैक्टली। सो आई वांट टू टॉक अबाउट बीएनबी टुडे जो कि बॉडी एंड बॉडी है। ये एक स्किन केयर ब्रांड है जिसके पास आपके स्किन रिलेटेड इश्यूज, हर किस्म के इशू का सॉल्यूशन है। ठीक है, इसकी बेस्ट बात यह है कि ये सल्फेट फ्री है, पैराबेन फ्री है, 100% ऑर्गेनिक है, डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है। इसकी जो राइस किट है वो बहुत ज़्यादा वायरल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट में काफ़ी लोग जो हैं इसकी फेक किट्स भी बेच रहे हैं, जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये वाली जो है फेक है, आई एम सो सॉरी फेक पीपल कि मैं आप लोगों को एक्सपोज कर रही हूँ। इसका ये ढक्कन वाइट है, ठीक है, ये आप लोग गौर से देख लें। और अब मैं आपको इसकी ओरिजिनल दिखाऊँगी क्योंकि इनकी राइस किट बहुत फेमस है, तो आप लोग को देखना बहुत ज़रूरी है। This is B&B's rice brightening glow kit. अच्छा, ये जो fake है ये डब्बे के बगैर आती है? डब्बे के बगैर आती है, yes. ये डब्बे के साथ आती है, ठीक है। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ऑर्डर करना है। आप लोग स्क्रीन पर भी वैसे वेबसाइट आ रही होंगी। अच्छा, जो एक्चुअल है वो उसकी ब्राउन है? हाँ, एक्चुअल ब्राउन है। मैं जल्दी से वेबसाइट बता दूं, www.bodyandbody.com, www.bodyandbody.co, www.bodyandbody.shop और इंस्टाग्राम का हैंडल है बॉडी एंड बॉडी कैनेडा, ठीक है, वैसे स्क्रीन पर चल भी रहा होगा। अब मैं आपको जल्दी से इसके मजे के इसका फंक्शन बता दूं, फीचर्स बता दूं। आप जानती हैं कि जो पूरी दुनिया है वो कोरियन ग्लास स्किन के पीछे क्रेजी है, ठीक है, ऐसे वैसे जिसका मेन फीचर राइस होता है। अब हम लोग चावल तो मुंह पे लगाने से रहे, है ना, और क्या कैसे लगा के अजीब से लगे। तो ये कंप्लीट सोल्यूशन है उसके लिए, जिसमें सबसे पहले आता है दिस रियली नाइस फेस वॉश, ठीक है, जो कि डीप क्लेंस करता है पोर्स को। इसका स्क्रब आता है फिर जो कि एक्सफोलिएट करता है, एज प्रिवेंट करता है। ये मास्क है जिसको आप बहुत इजीली पानी में मिक्स कर सकते हैं, या तो फिर अगर आपकी स्किन ड्राई है जो कि मैं नॉर्मली करती हूँ, तो आप दूध में मिक्स कर सकते हैं और ये आपकी स्किन को बहुत अच्छा सा प्लम्प करके छोड़ देगा। ओहो, ठीक है, जबरदस्त। इसके अलावा जो प्रॉब्लम मैं हर बार जब आती हूँ तो मैं बताती हूँ कि मुझे एक्नी रिलेटेड थोड़ा सा इशू है। टी ट्री जो है वो सबको पता है कि एक्नी के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है, वो आपका एक्सेस ऑयल कंट्रोल करता है। सो दिस इज देयर एक्नी कंट्रोल किट, ठीक है, जो कि टी ट्री एक्नी कंट्रोल किट है, जिसमें चार प्रोडक्ट्स आते हैं। सबसे पहले आपका ये टी ट्री फेस वॉश है। मेरे पास टाइम कम है, मैं तेज तेज बोल रही हूँ, मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं कुछ भी मिस करूँ। ये जो है रिमूव्स टॉक्सिन्स, डर्ट, रिक्लाइंस पोर्स, रिफाइंस पोर्स, एब्जॉर्ब्स एक्सेस ऑयल, ठीक है, डीप क्लेंस करता है, एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स रिमूव करता है। ये इनका सिरम है जो कि जिसको मैं बोलती हूँ मैजिक सिरम, क्योंकि 10 दिन भी, इसमें भी टी ट्री ऑयल, इसके अंदर भी टी ट्री ऑयल है। ये 10 दिन के अंदर आपकी एक्नी कम्प्लीटली फिनिश करता है। और आजकल तो देखो ना शादियों का सीजन है, इतना मेकअप, उससे एक्नी हो जाती, तो ये तो बेस्ट है। यस, 3 से 4 ड्रॉप्स आपको डे एंड नाइट यूज करने हैं। ये जेल है जो कि आपकी स्किन को एक एक्स्ट्रा लेयर देगी, ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर जिसे कहते हैं। एक्नी के जो स्कार्स रह जाते हैं ये उसको रिमूव करने में हेल्प करता है।
ये इसका मास्क है जिसको आप रोज वाटर के अंदर मिक्स करके लगा सकते हैं, तो ये कंप्लीट नरिशमेंट देता है आपकी स्किन को। तो ये भी पूरा एक पैक है, पूरा पैक है, पूरा पैक खरीद सकते हैं। ये पूरा डब्बा है बीएनबी एक्ने कंट्रोल किट, ऑफ कोर्स क्योंकि वो जो एक पूरा जो स्टेप्स होते हैं वो आप फॉलो करो तो ऑफ कोर्स ज्यादा फायदा होता है, ज्यादा इफेक्टिव होता है। अच्छा, ये इनका एक बहुत क्यूट प्रोडक्ट है, इनकी पिंक स्किन केयर ग्लो किट। इसके अंदर ये वाला मेरा फेवरेट है जो कि एक्चुअली एक सनस्क्रीन है एसपीएफ, लेकिन ये बीबी क्रीम की तरह होती है। मैं आपको पता है मैं थोड़ी नो मेकअप, इसका नाम क्या है, पिंक ग्लो सीरम, बीएनबी पिंक ग्लो सनस्क्रीन सीरम एसपीएफ, एसपीएफ 60, ठीक है। अच्छा, आपको पता है मैं थोड़ी नो मेकअप टाइप इंसान हूं, तो ये बीबी क्रीम की तरह मैं लगा लेती हूं। इसका वो जो नॉर्मली जो सनस्क्रीन वाइट वाइट स्किन पे छोड़ देती है ना, ये वो नहीं करती, ये एक पिंक सी ग्लो देती है। इसके बाद सिर्फ मैं लिपस्टिक लगाऊं, लिप टिंट लगाऊं एंड आई एम गुड टू गो, ठीक है ना। ऑफ कोर्स आपको कंप्लीट स्किन प्रोटेक्शन, सन प्रोटेक्शन भी देती है। ये इनका टोन अप फेस वॉश है जो कि स्किन को ब्राइट करता है, ग्लो में हेल्प करता है, इवन टोन करता है, पिगमेंटेशन में हेल्प करता है। सो दिस इज रियली नाइस। इसकी पैकेजिंग इतनी क्यूट है, बाथरूम में इतना क्यूट लगता है जब रखते हो। अच्छा, ये इनका सैफ्रॉन स्किन पॉलिश ऑर्गेनिक मास्क है जो कि कॉलेजन बूस्टर है, इल्यूमिनेशन देता है स्किन को, स्किन का टेक्स्चर बेहतर करता है, रिलैक्स करता है स्किन को, पोर्स को क्लेंस करता है, हाइड्रेट करता है, डेड स्किन सेल्स जो है वो भी रिमूव करता है। Now this is काफ़ी लड़कियाँ जो हैं वो बोलती हैं कि जाना पड़ता है सैलॉन फेशियल के लिए, फना ढमका मुश्किल हो जाता है, एक्सपेंसिव होता है। आप आजकल तो ट्रेंड भी है कि घर से ही आप ये चीज़ें करो, घर पे लेके रख लो और इजी होना चाहिए। तो विटामिन सी हमारे स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई डोंट थिंक मार्केट में कोई भी विटामिन सी फेशियल किट है इस बार। अच्छा, ये फेशियल किट है, फेशियल किट है, सिक्स स्टेप, ईजी सिक्स स्टेप्स, जिसमें ये देखें एक मिनट, नहीं इधर से स्टार्ट होता है, तो फ्रंट पे ना मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। ये स्टेप वन है, इजी उसके लिए गाइडेंस के लिए हर चीज पे स्टेप्स लिखे भी हुए हैं। ये डीप क्लेंजर है, ठीक है, फिर इनका मल्टी एक्शन क्लेंजर है, वो ये रहा, मल्टी एक्शन क्लेंजर ये रहा, फिर उसके बाद स्क्रब है, देन दिस रियली नाइस मसाज क्रीम, उसके बाद ये फाइनल जो है इसका स्किन पॉलिशर बेसिकली, ठीक है। सो दिस इज रियली नाइस जिन लोगों के लिए, ये तो आप वंस अ वीक कर सकते हो, लेकिन जिन लोगों ने नाइट रूटीन में विटामिन सी यूज करना है वो ये तीन प्रोडक्ट्स ऐसे अलग अलग भी ले सकते हैं, बट अगर आप साथ यूज करो तो इट्स बेटर। ये इनका विटामिन सी फेस वॉश है, दिस इज देयर विटामिन सी नाइट क्रीम जो कि बहुत लाइट है, और ये सिरम है, ठीक है। सिरम पहले ही लगाते हैं क्रीम से, मैं लोगों को थोड़ा गाइड कर दूँ, बिकॉज अक्सर लोग जो है वो क्रीम के बाद सिरम लगा रहे होते हैं, देन देयर लाइक इतना इफेक्ट नहीं हो रहा, तो आई वॉन्ट टू मेक दिस पॉइंट क्लियर। क्योंकि बीएनबी इज फेमस फॉर इट्स राइस रिलेटेड प्रोडक्ट्स, तो इन्होंने रिसेंटली ये अपना एक नया प्रोडक्ट निकाला है, इनका राइस एक्सट्रैक्ट, राइट, राइस एक्सट्रैक्ट का एसपीएफ सनब्लॉक, ये तो है ही है, ठीक है, बट ये अभी मैंने ट्राई किया है नया एंड इट्स रियली नाइस, एक्स्ट्रा ग्लो भी देता है, जैसे इसमें बीबी क्रीम टाइप चीज है, इसमें भी है, इसमें भी है बिल्कुल। ये थोड़ा आई थिंक लड़कियों के साइड पे ज्यादा हो जाता है क्योंकि वो पिंक पिंक ग्लो आ जाती है, बट ये थोड़ा यूनिसेक्स है। ओके, मुझे आई थिंक यू हैव योर डेज, सम डे यू वांट अ पिंक ग्लो, सम डे यू जस्ट वांट लाइक अ ग्लास स्किन वाला ग्लो, जो कि इसके साथ हेल्प होता है, और ये आपका अदरवाइज भी स्किन का टेक्सचर इम्प्रूव करता है, स्किन को ब्राइट भी करता है, इसके भी वो जो वाइट वाइटनेस जो स्किन पे रह जाती है वो नहीं, लाइट वेट है, नॉन ग्रीसी है, विच इज ग्रेट। सो यस गाइस, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट, वेरी नाइस। अच्छी बात ये है कि ये पैराबिन फ्री है, सल्फेट फ्री है, सबसे 100% ऑर्गेनिक है, ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होती है लड़कियों को कि साइड इफेक्ट ना हो, ये ना हो। नहीं, मैं बहुत अरसे से यूज कर रही हूँ, बिल्कुल भी किसी भी चीज का साइड इफेक्ट नहीं है। ये मैंने रिसेंटली स्टार्ट की है, इसके बाद मेरी स्किन पे मैंने नोट किया है कि थोड़ी सी पिगमेंटेशन थी, अब वो इवन टोन हो गई, और डलनेस भी हो जाती है ना, स्पेशली आप धूप धूप में आपका काम है अगर निकलने का, तो आपकी जो एक्चुअल कलर है वो कहीं पीछे रह जाता है और आपके मुंह पे डलनेस आती है। इतनी पोल्यूशन होती है आजकल, इतनी 10,000 और चीजें हैं, ये है कि भाई अपनी स्किन का ख्याल रखा जाए। तो सबसे अच्छी बात है कि तीनों हर चीज़ है। अगर विटामिन सी रिलेटेड आपको चाहिए तो उसका भी एक पूरा फेशियल किट है। अगर आपको थोड़ी कम स्टेप्स वाली रूटीन चाहिए जो कि डेली रूटीन हो, तो आपके पास ये थ्री स्टेप रूटीन है। कोरियन ग्लास के लिए तो ये 100% मैं रिकमेंड करूंगी। आप मुझे कल भी मेरी दोस्त पूछ रही थी, और रात को मेरे पास आई कि तुम क्या कर रही हो अपनी स्किन के साथ आजकल, फिर मैंने उसको उठा के ये दिखाया, मैंने कहा दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, ये है बीएनबी, ये जो उनका नया प्रोडक्ट है, दिस इज द न्यू प्रोडक्ट, उठाई है
दिस इज देयर सनस्क्रीन. हाँ हाँ दिस ये वो सनस्क्रीन है और ये बूस्टर है. ये बूस्टर है yes. वो दोनों तुमने गलती से बूस्टर उठा लिया था क्योंकि उसको नजर नहीं आ रहा. अच्छा हाँ सामने फ्रंट पे रखा हुआ है. नहीं बट दिस इज द न्यू प्रोडक्ट. दिस इज द न्यू प्रोडक्ट मतलब है सेम सेम उसी तरह की है. दिस इज देयर बूस्टर. वो एक्चुअली क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत फेमस है ना तो इसी के कलर उसमें उन्होंने अपना ये नया प्रोडक्ट भी निकाले और मोस्टली जो है प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं. बट दिस इज द न्यू प्रोडक्ट. आई ट्राइड इट. If you don't want the pink glow and you want the glass skin glow, then go for हाँ. this sunscreen. हाँ. अच्छा order करने का तरीका एक दफा आपसे फिर बता. Okay, so order करने का तरीका ये है कि इनकी official websites हैं तीन www.bodyandbody.com, www.bodyandbody.shop, www.bodyandbody.co. ठीक है उसके अलावा Instagram handle है body and body Canada. आप सिर्फ इन तीन पर जाकर प्लीज ऑर्डर करिएगा. आप ये मार्केट से मत उठा के ले आइए. बार बार फेक प्रोडक्ट्स दिखाने की रीजन ये फिर क्या होता है लोग फेक प्रोडक्ट उठाकर और अपना परसेप्शन बना लेते कि ओ ये लोग तो उसकी ब्रांडिंग कर रहे हैं हमें तो इससे कोई फायदा नहीं हुआ. अरे भाई नकली प्रोडक्ट से कैसे फायदा होगा. वो तो सिर्फ पैसे बनाएंगे और दूसरी ब्रांड का. क्योंकि मैंने मुझे इंस्टाग्राम पे एक दो क्वेश्चन एंड आंसर्स आए थे कि स्किन केयर रूटीन के लिए आप क्या यूज कर रही हैं. तो मैंने पब्लिक नहीं की थी लेकिन मैंने काफी लोगों को बताया था कि दिस इज व्हाट आई एम यूजिंग एंड देन आई डिड गेट अ रिप्लाई बैक फ्रॉम देम कि हमने यूज किया फर्क नहीं पड़ा. आई वाज सरप्राइज्ड. तो फिर मैंने पूछा कि भाई क्या यूज किया. दैट इज व्हेन आई गॉट टू नो कि फेक प्रोडक्ट्स है मार्केट में. फिर मैंने पिक्चर मंगवाई फिर मैंने रिसर्च किया. मैं स्पेशली आज ये लेके आई हूं कि मैं दिखा सकूं कि ये नहीं कोई ना कोई डिफरेंस होगा जो आप पकड़ लेंगे. लेकिन बहुत सारे मासूम लोग उनको पता ही नहीं चलता कि क्या फेक है क्या रियल है. तो हमने आपको ये वाली तो और आपने तो खुद भी यूज किए हैं ये वाले प्रोडक्ट्स में. जी आप कितनी सैटिस्फाइड थी. हम जब बात भी कर रहे थे इस बारे में यू सेड कि आओ बिल्कुल प्रमोट करो बिकॉज़ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि यस दीज आर रियली गुड प्रोडक्ट्स. बिल्कुल. तो जी ये था हमारा आज का शो. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल दुआओं में. याद रखिएगा लेकिन आज के प्रोग्राम में जो बातें हुई है ना उनको गुट्ठी से बांध लें. गुट्ठी से बांधे नहीं दुपट्टे से बांधे अपनी गुट्ठी में डाल लें. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान.